ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आप लोग गुरुकुल में क्या करने वाले हैं, ठीक है, और किस तरह से गुरुकुल आपकी हेल्प कर सकता है आपके कैरियर को स्ट्रॉन्ग करने में, आपको एक राइट डायरेक्शन देने में, ठीक है। तो कोई गुरुकुल के बारे में जानता है जो थोड़ा बहुत बता सकता है, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है, या फिर हैंड रेस कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। तो कोई भी अगर जानता है अबाउट गुरुकुल, हैंड रेस करके एक्सप्लेन कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। मैक्सिमम लोग, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं, शायद मुस्तफ़ा खान को पता होगा, ठीक है, कुछ जगहों पे अभी अजान वगैरह हो रहा है, तो विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं भाई गुरुकुल है क्या और गुरुकुल आपकी किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। स्पेशली ये जो गुरुकुल का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है BIM से रिलेटेड। अब वो लोग सर BIM का ही गुरुकुल क्यों लाए हैं, क्योंकि BIM इस समय इंडिया में बहुत तेजी से बूम कर रहा है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि मैक्सिमम जगहों पे आपको BIM की ओपनिंग्स देखने को मिल रही होंगी। आप गूगल करके देख सकते हो BIM जॉब्स इन इंडिया, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स काफ़ी ढेर सारा होंगे। अब लोग सर आपको कैसे पता काफ़ी ढेर सारा होंगे, तो मैं जॉब्स गाइड ऑफ जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं, उस पर मैं ओपनिंग्स डालता हूँ कि कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन जिसको पता है कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, यहाँ तक कि BIM और स्ट्रक्चर्स की जो जो कंपनियाँ हैं, लगभग मैं सारी कंपनियों के बारे में जानता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपके इस ट्रेनिंग में हेल्प करेगा आपका। अभी बताऊँगा कि करने वाले क्या है, किस तरह से करने वाले हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। BIM है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, सीधी सीधी बात है कि BIM है क्या, ठीक है। तो देखो BIM क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों इतनी ढेर सारी जॉब चल रही है, पहले ये समझो। तो BIM किसको बोलते हैं, जो अभी तक हम लोग सारा काम करते थे, अभी तक जो हम लोग सारा काम करते थे ऑटो कैड में प्लान लेते थे, प्लान लेके डायरेक्ट चले जाते साइट पर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते थे। कुछ समय के बाद पता चलता था यार वो पीछे वाले कमरे में तो वेंटिलेशन ही नहीं है, अरे अब क्या करें, अब तो ऑन साइट फुटिंग बन चुका है, कॉलम बन चुका है, अब तो वॉल तो बनाना पड़ेगा। पीछे वाली फ्लैट पूरा का पूरा सेल ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं है। कुछ समय के बाद पता चला कि गार्डन इतना छोटा हमने बना दिया कि अब उस गार्डन में अगर हम 15 अगस्त का प्रोग्राम, 26 जनवरी का प्रोग्राम कर रहे हैं, भर जा रहा है, जगह ही नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम बाद हमने पता किया तो स्विमिंग पूल ऐसा बना दिया है कि जिस स्विमिंग पूल पर कोई जा रहा है तो उसको लग रहा है क्या है यार, ये तो गड्ढे जैसा है, मतलब उसका फील ही नहीं आ रहा है। इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें ऑन साइट एग्जीक्यूशन के बाद आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है पूरा बिल्डिंग बन गया है, अब लुक ही लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। सोचो जो 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसके बाद उसको रिजल्ट ये मिले कि यार लुक नहीं है, मतलब बिल्डिंग का जो लुक आना चाहिए वो लुक नहीं है, कितना डीमोटिवेट हो जाएगा वो आदमी, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए एक नियम लगाया गया कि भाई जो कुछ करने वाले हैं ऑन साइट, मतलब जो कुछ प्रैक्टिकली हम चीज़ें करने वाले हैं, अगर इस चीज़ को पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर ले, यानी लैपटॉप के ऊपर कर ले, और सब कुछ वहीं चेक कर ले, लुक अच्छा है कि नहीं, प्लेग्राउंड अच्छे हैं कि नहीं, स्विमिंग पूल अच्छा है कि नहीं, सेम टू सेम जो कुछ बनने वाला है वो सब कुछ आ जाए यहाँ पर, कहाँ पर, आपके लैपटॉप पे, जहाँ पर इरेज करना बड़ा आसान हो। अगर मैं बोलूँ यार ये ग्लास अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट लगेगा, उस ग्लास का मटेरियल चेंज कर दो। आपको मैंने बोला यार ये अपना जो रेलिंग लगी है ना, इस रेलिंग की क्वालिटी हमको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा हाई लेवल का क्वालिटी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ क्या करो रेलिंग का पैटर्न चेंज कर दो। जब पूरा का पूरा फाइनल हो जाए कि यार सब कुछ अच्छा है, ठीक है, फिर आप अपने टीम मेंबर्स को बैठा सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा बनाने वाले हैं, मैक्सिमम चांस है कि सब बताने लगेंगे यार यहाँ पर ये इशू है, चलो चेंज कर देंगे। डक्टिंग में यहाँ पर कूलिंग कम आएगी, यहाँ पर क्यों कूलिंग कम आएगी, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि MEP का जो वर्क होता है, आपके रूम में, ठीक है, हमारे ऑफिस में था ऐसा, लास्ट का एक रूम था, उस रूम तक प्रेशर ही नहीं पहुंचता था, क्या बोलते हैं, कूलिंग का, तो उस रूम में हमेशा गर्मी रहती थी। और सबसे बड़ी बात, एक रूम ऐसा था जिसमें इतना ठंडा हो जाता था, क्योंकि जो लोग AC वगैरह में बैठते हो, AC इन सेंस ऑफिस वगैरह के जो कॉमन ACs देखे होंगे उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि वो जब बैठेंगे तो किसी एक रूम में इतना ठंडा है कि उसमें बैठना ही मुश्किल हो जाता है। अब सीधी सीधी बात है, डक्ट एक ही है, चालू होगा तो सबके लिए होगा, एक कमरे में गर्मी लग रही है, एक कमरे में बहुत ठंडी लग रही है, हुई ना प्रॉब्लम। बट यही प्रेशर अगर हमने पहले चेक कर लिया होता तो
तो हम उसको इतना ही डिफ्यूजर्स देते कि उतनी ही कूलिंग आती जिससे कि वहां पर इंसान कंफर्ट से रह सके। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं आप गए होंगे कुछ जगहों पे, तो वहां पर सफोगेशन फील होगा आपको। क्या फील होगा? यार बहुत सफोगेट हो रहा है। ठीक है, तो अब सफोगेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट नहीं किया गया कि वहां पर कितने इंसान हैं, ठीक है, और कितने इंसान आ सकते हैं उस जगह पे, और उन इंसानों के लिए कितना ह्यूमिडिटी की मतलब निकालने की जरूरत है, वो चीज़ों का आइडिया ही लोगों को नहीं रहता है। और जैसे जैसे इंडिया एडवांस हो रहा है, अभी लोग स्मार्ट बिल्डिंग के तरफ जा रहे हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये भी BIM का ही पार्ट है। स्मार्ट बिल्डिंग इन द सेंस कि अभी सीधी सीधी बात है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में आप घर से, अभी मैं बाहर गया था, जस्ट एक हमारा स्टूडेंट है, उसका इंटीरियर के ऑफिस का ओपनिंग था, तो उसने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं थोड़ी देर के लिए उधर भी, तो मैं गया 5 मिनट के लिए। तो मैं कुल मिला के अभी वो लोग क्या करने वाले हैं, लगभग सभी लोग अभी ऑफिस से हो सकता है किसी दिन वो लाइट ऑन करना, सॉरी ऑन किया है, ऑफ करना भूल जाए, लाइट को ऑफ करना भूल जाए। ठीक है, अभी उसका छोटा ऑफिस है, लेकिन ये मान चल सकते हो कि उसका छोटा ऑफिस है और लाइट को ऑफ करना भूल गया, तो उसका बिजली का बिल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब वो लोग सर वो तो 10-20 रुपए का होगा। हाँ जी बिल्कुल 10-20 रुपए का होगा, लेकिन अगर यही बिजली का बिल, ठीक है, अगर वो ऑफिस 200 स्क्वायर फीट का है, कल को 20,000 स्क्वायर फीट का हो जाए, मल्टीप्लाई कर लो कितना खर्चा बढ़ गया। ठीक है, कभी कभी आप लोग, अभी और चीज़ों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि लिफ्ट जो है, ठीक है, अभी लिफ्ट को लोग डिज़ाइन नहीं करते, जस्ट ऐसे लिफ्ट को लगा दिया है। ठीक है, और हुआ क्या, 10 बजे, ठीक है, 9 बजे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको पता होगा, खड़े रहना पड़ता है लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए। क्यों? उस समय जब डिज़ाइन हो रहा था तो ये दिमाग में नहीं रखा गया कि 10 बजे का ट्रैफिक क्या होगा, मतलब 10 बजे कितने लोग लिफ्ट के अंदर आएंगे, इसका कोई आइडिया ही नहीं था। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऑन साइट एग्जीक्यूट करते समय बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ कर दिया होता तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे कभी मैं एक हम लोग साइट विजिट भी करते हैं, तो विजिट का चार्जेस होते हैं, तो मैं एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि सर हमारा विजिट कर लीजिए, तो उनके आज हम विजिट करने गए तो कई ढेर सारी जगहों पर बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम थी, कई जगहों पर वायरिंग का प्रॉब्लम था, इसी के पॉइंट्स उन्होंने सही जगह पर दिए ही नहीं थे। ठीक है, तो फिर डेफिनेटली उनको विजिट से फायदा भी हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिंग हो रही थी, उन्होंने सजेशन दे दिया कि अभी वो मैंने उनको बता दिया, उन्होंने कट करके वहाँ पर लगा लिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े ऑन साइट, उसी चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले कर लो, हर चीज़ को चेक कर लो। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं BIM मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? BIM यानी बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन और मॉडलिंग के साथ। ठीक है, अभी मैं गया था एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम हो रहा था, ठीक है, प्रोग्राम था क्या बोलते हैं उन बिल्डर का नाम क्या है, ठीक है, सापोजी पालन जी, ठीक है, सनदीम का गलत इस्तेमाल हो गया। मैं गया था सापोजी पालन जी के प्रोजेक्ट ऐसे विजिट करने के लिए, मेरा एक दोस्त था, बोला था कि चलो क्या बोलते हैं देख के आते हैं, अगर अच्छा लगा तो एक प्रॉपर्टी बुक करेंगे हम। हमने कहा चलो देख के आते हैं, और मुझे तो ऐसे चीज़ों को मौका चाहिए, क्योंकि जब विजिट करते हो आप किसी जगह पे तो बड़ा ढेर सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलता है, मतलब विजिट करने का एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। मैं कहा चलो विजिट करके आते हैं, तो मैं विजिट करने गया, तो होप आप लोग बोर नहीं हो रहेंगे, मैं BIM अभी स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, ठीक है, जिससे कि सब लोग आ जाएं और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने एक प्रॉपर BIM मॉडल बनाया था, उसका बहुत बेहतरीन सा वॉक थ्रू बनाया था, और एक्चुअली एक थिएटर बना दिया था। उस थिएटर में जैसे मूवी के लिए थिएटर जाते हो ना, वैसे छोटा सा एक थिएटर बना दिया था 15-20 लोगों का। तो जैसे उनके क्लाइंट्स, क्योंकि सापूजी पालन जी आपको पता है नाम ही काफ़ी है, तो बहुत ढेर सारे लोग दिन भर लाइन लगाए रहते हैं कि भाई हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। तो उन्होंने हमें थिएटर में बैठा दिया, और वो BIM मॉडल जैसे दिखाया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3D में पूरा BIM मॉडल था, ऐसा लग रहा था कि हम उस सोसाइटी के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है, और ये एग्जैक्टली हमारा ग्राउंड होगा। अगर सोचा आगे इसको खरीदते हैं तो यहाँ से शॉप्स होंगी, यहाँ से हम सामान खरीदेंगे, ये हमारी बालकनी होगी, ये हमारा बेड होगा, और ये जो हमारे घर के बच्चे होंगे यहाँ खेल सकते हैं, ये रोड होगी। इतना बढ़िया फील आया उस BIM मॉडल से कि मैक्सिमम लोगों की जो बुकिंग थी, सोचो पजेशन पता है क्या उसका, पजेशन समझते हो बिल्डिंग कब हैंड ओवर करने वाला है बिल्डर पता है, हैंड ओवर करने वाला है 2026 में, ठीक है, और उसने इतना बेहतरीन मॉडल दिखा दिया कि लोग आज ही बुक कर करके उसको पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब एडवांस पैसे दे रहे हैं कि हमको 2026 के लिए चाहिए।
ये चीज पहले कम हो पाता था। पहले क्यों कम हो पाता था? लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता था, पता नहीं बिल्डिंग कैसे दिखेगी। ठीक है, बहुत लोग, कोई बहुत ट्रस्टेड है तो अभी दे देते थे, अदरवाइज लोग पैसे देना पसंद नहीं करते थे। आज 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, BIM कॉन्सेप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से लोग पजेशन के लिए डरते ही नहीं है, डायरेक्ट पैसे दे देते हैं। आप कल को बिल्डर बनते हैं तो बी मॉडल आपको बहुत हेल्प करेगा, और यही रीजन है जिसकी वजह से आज हर एक बिल्डर, अब सापूजी पालन जी अगर फॉलो कर रहा है तो हर कोई करेगा ही करेगा, ठीक है, लोधा ग्रुप भी कर रहा है, बहुत सी कंपनियां हैं जो कर रही हैं। तो इसलिए BIM का रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का भी है नो डाउट, लेकिन BIM से कंपेयर किया जाएगा तो कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में कंसल्टेंट ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में है, बीम के कंसल्टेंट अभी इंडिया में कम है, और ये कुछ दिन तक ये रहने ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि बीम जरूरी क्यों है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप लोग सर फिर आप क्यों, मतलब हम लोग गुरुकुल में क्यों हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कराने वाले हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली मेरा अभी बात करूँ तो लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, और खान थोड़ा माइक बंद कर लेना अभी के लिए, अभी मैं आप सबको मौका दूंगा, सभी लोग डिस्कस कर सकते हो। तो मुझे पता है कि बीम के लिए कौन सी कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे कि आराम से क्रैक हो जाए। ठीक है, लास्ट बैचेस में BIM में भरपूर सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, 9 लाख के पैकेज भी हुए हैं, 8 लाख के भी पैकेज हुए हैं, 6 लाख के भी पैकेज हुए हैं, और 3-4 का तो नॉर्मल पैकेज लग ही जाता है BIM के अंदर। ये BIM में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं BIM का पैकेज बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि BIM का मार्केट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई हम BIM में क्या क्या सीखेंगे। जनरली अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री इस समय जो BIM में यूज कर रही है, सबसे ज़्यादा यूज कर रही है ऑटोकैड, तो देखो एवरग्रीन है, उसके बिना तो कोई भी मॉडल की परिकल्पना करना ही गलत होगा। ठीक है, लेकिन जो मार्केट मांग रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट का डिमांड है, वो डिमांड है रेबिट के ऊपर। ठीक है, और रेबिट आर्टिचर, रेबिट स्ट्रक्चर्स खास तौर से, नो डाउट अगर MEP सीखते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो दूसरा डिमांड है, ठीक है, वो है टिकला के ऊपर। टिकला में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी कल या परसों मुझे एक बच्चे ने कॉल किया कि उसका एक दोस्त है, उसकी सैलरी 52 या 55 हज़ार के आसपास है। तो क्या बोलते हो, बोला सर मैं साइट इंजीनियर हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? मैंने बोला अब तो तुम्हें अपने दोस्त से ही सीख लेना चाहिए करना है कि नहीं करना है। तो टिकला और रेबिट और नेविस वर्क, ये जान है BIM का आज के टाइम के अनुसार। देर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बहुत सी चीज़ें, BIM 360 है, स्कैन टू बीम है, ये सब तो कॉन्सेप्ट लगने ही लगने वाले हैं, डायनमो है। ठीक है, API डेवलपमेंट, आगे आप ग्रोथ करोगे तो API डेवलपर का एक अलग से इंडिविजुअल कोर्स होता है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होंगे, पर जिस पर आपकी जॉब लगेगी वो है आपका रेबिट, और उसके साथ टिकला और उसके साथ नेविस वर्क, ये तीन एकदम घोल के पीना पड़ेगा। मैं क्या सिखाता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं कुछ रिफरेंस सॉफ्टवेयर भी सिखाता हूँ, जैसे ऑटोकैड, रेविट आर्टिक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, नेविस वर्क, टेक्ला, और उसके साथ 3ds Max और स्केचअप। आप लोग सर आप 3ds Max क्यों सिखाते हो? कल को आपको बेस्ट रेंडर जहाँ पर चाहिए तो आप 3ds Max की हेल्प ले सकते हो, जल्दी से प्रोजेक्ट करके देना है, स्केचअप की हेल्प ले सकते हो। तो ये हेल्पिंग सॉफ्टवेयर जस्ट सिखा देता हूँ, जैसे कि कहीं पर रिक्वायरमेंट हो तो आप इसलिए रिजेक्ट ना हो जाओ कि यार आपको स्केचअप नहीं आता, नहीं तो हम आपको ले लेते, लो भैया हमको सब आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका तो वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। तो सर हम गुरुकुल में क्यों आए हैं? तो गुरुकुल में आने का एक मेन क्या बोलते हैं, यस, तो गुरुकुल में आने का एक मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यहाँ पर डेली आपको टास्क मिलता है और उस टास्क को आपको डेली सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अभी आपके ही सीनियर बैच से यहाँ पर अभिषेक प्रियदर्शी आए हुए हैं, तो प्रियदर्शी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, और अभी प्रियदर्शी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। इनको अप्रॉक्स लास्ट में, जहां तक मुझे याद है, प्रियदर्शी तुम्हें 6 कंपनियों का ऑफर थे ना? हेलो, हाँ प्रियदर्शी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ गुड। सर, ठीक है, प्रियदर्शी को 6 कंपनियों का ऑफर थे। ठीक है प्रियदर्शी, तुम थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में एक्सप्लेन करो, क्या कि मुझे लगता है तुम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तुमने जिया है उस जर्नी को। ओके सर, तो मतलब गुरुकुल, मतलब गुरुकुल फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे सब बोलते हैं, मतलब पहले जो चलता था कि गुरु दक्षिणा जैसे चीजें होती हैं कि इंडिया में लोग सब लूटने के लिए बैठे हैं, हाथ खोल के फैला के बैठे हैं। तो अगर एक्सपीरियंस, मतलब नॉलेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें लैग कर जाती हैं,
क्योंकि जो चीज मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब जैसे अभी ऑफिस में जो जॉब चल रही है उसके रिगार्डिंग जो चीजें मेरे को, मतलब डे टू डे चीजें, अभी मैं सर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने बताया भी था कि विद इन 1 मंथ मेरे को दुबई का ऑफर मिला था। अरे वाह, हाँ वो तो बताया था तुमने लास्ट टाइम। हाँ, तो वो बस सिर्फ बेसिक, मतलब मैंने 1 मंथ में कंपनी के 5 प्रोजेक्ट कराए थे कंप्लीट, करेक्ट, और स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन ऐसी थी, मतलब मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो चीजें पता चल जाएंगी गुरुकुल की क्या है। तो मतलब उसमें क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में विद इन 1 वीक मेरे को कंपनी से ये मतलब अल्टीमेटम आया था कि आपका प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है करके। मैंने ये चीज आपको बताई भी थी, शेयर भी की थी कि सर कैसे करें, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। और मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल रिविट आर्किटेक्चर पे पूरा मतलब कमांड था, लेकिन कंपनी की तरफ से मेरे को रिविट स्ट्रक्चर, मतलब एज अ बीम इंजीनियर स्ट्रक्चर में वर्क मिला था। तो मैं थोड़ा घबरा सा भी गया था कि स्ट्रक्चर में ज्यादा वर्क किया नहीं है करके, और चीजें लैग भी हो रही थी, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। फिर मतलब चीजें मैंने वापस रिकॉल की, जो वीडियोस मेरे पास कंटेंट थे गुरुकुल के स्ट्रक्चर से ही, मतलब जैसे करीब 120 आवर्स का, 130 आवर्स का समथिंग अमाउंट है वो वीडियोस, तो मैंने उसको मतलब देखा था। और देखने के बाद में मैं नेक्स्ट डे जाके अप्लाई करता था कि हाँ यार, मतलब हो रहा रीबारिंग ऐसे करनी है, नेविएट ऐसे यूज करना है, और फिर उसके बाद में जैसे शॉप ड्राइंग्स मिलती थी मेरे को, मॉडल्स मिलते थे, उसके अकॉर्डिंग कैड के हिसाब से मेरे को उसको रिमॉडल करना पड़ता था पूरा। तो एज पर कैड जो भी डिटेलिंग थी वो सब करना, फिर ड्राफ्टिंग व्यू बनाना, फिर उसके बाद में सर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोजेक्ट था, दुबई बेस्ड कंपनी है, तो एडनॉक का प्रोजेक्ट था, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनीज का, और इनॉक का प्रोजेक्ट था, एमिरेट्स ऑयल कॉरपोरेशन कंपनीज का। करेक्ट। तो इनके प्रोजेक्ट्स थे, तो LOD 500 तक के जाते थे पूरे। तो कंप्लीट शीट प्रिपरेशंस, फिर सर उसमें पाई रूट करके भी एक एक्सटेंशन आता है, डाई रूट का और पाई रिविट का, इस पे वर्क मतलब इन इनका। हाउस सॉफ्टवेयर। हाँ सर, हाँ, तो उसकी भी नॉलेज मेरे को मतलब हुई, तो फिर वो कहीं ना कहीं मैं चीजें मतलब गुरुकुल के माध्यम से, मतलब गुरुकुल की तरफ से मैं उस सॉफ्टवेयर पे कंप्लीटली मेरे को वर्क आता था। तो कहीं ना कहीं एक मतलब वो जो बै वो पूरा पैकेज है, लगभग देखा जाए तो करीब 400 to 450 आवर्स का पूरा है रिविट का। तो मुझे वो इनको उसमें इनको कहा इनको ये चीज थोड़ा सा आपसे गाइड करना कि फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, क्या बेटर, क्योंकि तुम भी फ्रेशर ही रहे स्टार्टिंग में। सर हाँ सर मैं सबको बताना चाहूंगा भाई कि मैं 2022 में पास आउट हूँ बीटेक, और 2022 के पास आउट होने के बाद में मैंने पेपर दिया और डायरेक्टली मैंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया। तो अगस्त से मेरा चालू हुआ था बैच, और विद इन 2 मंथ्स, मतलब नवंबर तक, नवंबर में मीन्स हाँ दिवाली के टाइम पे हॉलीडे था सर, दिवाली आपने हॉलीडे, पुणे पुणे हाँ पुणे वाला। हाँ तो मैं मतलब खुद से भी ट्राई करता था कंपनीज ढूंढने का कि कैसे बीम की कंपनी कैसे ढूंढे, तो लिंक्डइन वगैरह पे, और फिर उसके बाद में जो जॉब्स गाइड वाला चैनल है उससे हेल्प मिलती थी कि हाँ चीजें पता चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चीजें फॉलो करता था डेली डेली, मतलब शेड्यूल, मतलब रूटीन को फॉलो करना कि हाँ मतलब जब बैच चल रही है वो बैच करना, और जो परफेक्ट मतलब जो वीडियोस बताया जा रहा है वो वीडियोस कंप्लीटली उस टाइम पे, एट पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंट मतलब वॉच करना, और वॉच करने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना। मतलब चीजें क्या होती हैं कि जैसे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी सर कि मतलब चीजें मैं कर रहा हूँ और बहुत काफी चीजें गलत हो जाती थी, तो मेरे को चीजें समझ में नहीं आती थी। तो फिर सर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, और फिर मतलब जैसे रात में डाउट सेशन होता था तो फिर उससे भी हेल्प हो जाती थी, और देन उसके बाद में जो कंटेंट मिला मेरे को मतलब वो कंटेंट बहुत था। और इवन सर यहाँ पे तो नेविस वर्क भी यूज होता है, तो नेविस वर्क जो था वो क्लैश डिटेक्शन के लिए जनरली यूज करते हैं, करेक्ट। बाकी आपने तो मतलब शायद उसमें क्लैश डिटेक्शन भी बताया है, क्वांटिटी भी बताई है, क्वांटिटी और एनिमेशन। डिटेल का, हाँ सर, एस्टिमेशन, मतलब ये चीजें भी बताई हैं। तो मैं मतलब वो चीजें तो यूज नहीं की गई अभी तक, तो वो उसमें क्लैश रिपोर्ट्स वो तो और क्लैश आगे डिटेक्शन जैसे का जैसे तुम्हारी वो बढ़ेगी, मतलब पोजीशन ही। बढ़ेगी, शायद वहां पर यूज में आए तुम्हारे। तो वही भाई, मतलब मैं तो एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया था, मतलब मेरे को भी ऑटो कैड के अलावा कोई नॉलेज नहीं थी किसी चीज की। मैं तो डर रहा था कि भाई रिविट आर्किटेक्चर वाले कहीं पूछे जाएंगे, सिविल इंजीनियर तो पूछे ही नहीं एक जाएंगे। चीज मुझे तुम्हारा याद आ रहा है कि तुमने जी मुझे एक सर, बार कॉल किया था शायद लाइक जून या मई में, जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला था, तो तुमने हाँ मुझे सर, बोला था कि हाँ सर मुझे साइट के कई ढेर सारे जॉब के ऑफर आ रहे हैं, ऐसा बोला था ना तुमने मुझे, ऐसा हाँ कुछ हाँ ठीक सर, है। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो,
और गुरुकुल करोगे तो तुम्हारा काम जहाँ तक है ऑफिशियल जॉब में होगी, नो डाउट बिल्कुल उसके हिसाब से तुमने आगे किया। हाँ सर, तो वही मतलब चीजें चल रही थी। और अभी तो ऐसा है कि कंपनी मतलब मेरे को सर मतलब वो लोग दुबई के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं कि आप सीधे मैनेजर पोजीशन पे जाइए, और वही मैं बोला कि नहीं तभी जाना नहीं है मेरे और को जो चीजें गुरुकुल गुरुकुल सीखनी। में जो मॉक होता है उसका इम्पोर्टेंस भी बताओ। मॉक मॉक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है, अंदर की हेजिटेशन पूरी वॉश आउट हो जाती है मॉक्स में, और मतलब क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इनकेस अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब आपको जो चीजें आती हैं वो चीज कैसे वहां पे मतलब चेंज करनी है, वो चीज का नॉलेज एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप मैंने ये बहुत जगह ट्राई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो इंटरव्यू एचआर लोग लेते थे सर, बीम इंडिया सर नाम सुना, बीम मतलब इंडिया बहुत बीम अच्छी। इंडिया बहुत सर अच्छा खासा पैकेज था, सिक्स बहुत एलपीए का पैकेज था ये, मतलब घुमाते कि नहीं हुआ क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल के बंदे चाहिए थे, ओ ये बट मुंबई उन्होंने वाला। हाँ सर मुंबई वाला, उन्होंने ये बोला था कि आपको रिविट आता है कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रिकल का काम कर लो, मतलब कम्युनिकेशन के बिहाफ पे। नहीं तो तुम्हारा बट एक चीज मैंने अच्छा था कि तुमने कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, इस चीज को मैं तुमको अप्रिशिएट करूंगा। तुमने अप्रॉक्स मुझे लगता है लगभग सारे ही क्लास अटेंड किए थे जब तक सर तुम्हारा हाँ जॉब वही लगा। जॉब मिलने के बाद में फिर टेकला वेकला थोड़ा हाँ वो डाउन हो तुम्हें गया था, जॉब हो गया क्योंकि तो फिर क्या करोगे। हाँ क्योंकि चीजें क्या है कि मतलब जैसे स्टार्टअप ही है मेरा, लेकिन मतलब काफी चीजें सीखने को मिली हैं सीखने को मिला अभी। यही मैं मतलब ये बोलूंगा कि कंपनीज जो थी काफी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं अगर एमएनसी में होता तो मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना मिलता चीजों का, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था चीजों को करने के लिए। और मतलब वो इंटरव्यू ही था, मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे को ये मिली थी वो इंटरव्यू के बिहाफ पे ही मिली थी, क्योंकि जो आपके नोट्स थे जो मिले थे मैं इंटरव्यू देता था तो उसको सामने रख के देता था। टेलीफोनिक बोलो नहीं तो लोग समझेंगे। और इंटरव्यू कैसे लेके जाते थे, मजनू भैया थोड़ी थे कि वो एक रजनीकांत की नहीं मूवी मतलब थी। चीजें क्या है ना सर कि जैसे जो चीजें एक हैबिचुअल बन जाती हैं, जो चीजें आप डेली डेली पूछ रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक मतलब हैबिट बन जाता है। रिपीटेटिव होती है, और वो चीज दिमाग में सेट रहती है कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे उसे टैकल करना है, और अगर आपको खुद से टैकल करना आ गया तो कहीं ना कहीं आप बीट कर ले जाओगे। आप अगर सामने खड़े होके मतलब आपको खुद जज करना है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जो कि मॉक से ही सीखा है वो चीज, थैंक यू। और इवन बाकी इंग्लिश क्लासेस भी तो चलती थी इंग्लिश तो सर तुम्हारा उसमें तो भी। बहुत अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश खुद भी अच्छा था ऐसा भी मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू अभिषेक। अभिषेक का मैं जस्ट इसलिए आप लोगों को क्या कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, फिलहाल अभिषेक बहुत अच्छे स्टूडेंट है पहले तो ये मैं बता दूँ, ठीक है। इन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, अभी इन्होंने मुझे दिख गए अभिषेक, तो मैंने सोचा चलिए अभिषेक से बोलते हैं। वहाँ पर मोनिका भी है, ये भी हमारे स्टूडेंट है जो करेंट बैच में, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि करेंट बैच से ही है। तो कुल मिला के आपको बस ये करना चाहूँगा कि इस समय आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर जेन्युइन पर्सन की थोड़ी सी कमी है, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स की ट्रस्ट को से के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक जेन्युइन जगह पे आके अच्छे से व्यायाम को अगर 4 महीने सीखते हो तो फिक्स है कि आपका लाइफ बन जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आई थिंक अगर इसके फीस वगैरह तो आप लोगों को सबको पता है बहुत नॉमिनल लिया जाता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियोज दिया जाता है। जैसे अभी से कोई प्रॉब्लम हुई तो जाकर दोबारा ये वीडियो देख लिए, इनका प्रोजेक्ट होने लगा, तो ये भी बहुत से बेनिफिट होते हैं कि जो आप क्लास के बाद भी कर सकते हो। और मेरा एक ऐसा नेचर है कभी भी कोई भी हेल्प के लिए बोलता है तो मैं तो मना नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए तो जस्ट आपसे दिख गया तो मैं दिखाता हूँ, अभी हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग में एग्जैक्टली करते क्या है 10 मिनट के लिए वो देखेंगे, फिर आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं जैसे कि यहाँ पर अंसारी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कभी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कटरे भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कटरे से याद आया अभी लास्ट बैच में अबसे कटरे थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। एक 10 मिनट का मुझे टाइम दोगे, 10 मिनट का टाइम में मैं सिर्फ दिखा दूँ कि क्या हो हम लोग करने वाले हैं 4 महीने में, उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे लेते हैं, ठीक है नदीम, बस 10 मिनट। चलो तो देखो दोस्त यहाँ पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नोट्स तो हमारे एक्चुअली में सच में अच्छे हैं, क्योंकि नोट्स में हमने सारा निचोड़ दे दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कम इंडस्ट्री को चाहिए होता है, ठीक है। ये एक फुल सिलेबस है रिलेटेड टू क्या बोलते हैं जो अपना VIM है, बट मैं सिलेबस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि सिलेबस वही है जो हमें सक्सेस दिलाए, ठीक है। ये तो सिलेबस तो आप सबको पता है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या करते हैं गुरुकुल में, टोटल क्या क्या चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड ये सिलेबस है, मैं ग्रुप में दे दूंगा आप डिटेल में पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।
मेरा बस ये टारगेट रहता है कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, ऐसा ना हो कि यार सर ने ये चीज़ पढ़ाया नहीं, नहीं तो मेरा हो गया होता है, उससे ज़्यादा पढ़ा हूँ उससे कम का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये है BIM का कंप्लीट सिलेबस, आप घर पे बैठ के इसको देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी टीम के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं ये सारे सिलेबस, बस नाम जो होते हैं कंटेंट के वो डेफिनेटली मैं ही देता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्ला का पूरा सिलेबस है, इसको आप घर पे देखिएगा, इसका मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने एक टॉपिक का लिस्ट बना दिया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट। ठीक है, लगभग ये टॉपिक्स को पूरा मैं 4 महीने में कंप्लीट करा देता हूँ, लगभग 50 से 60 टॉपिक्स हैं। सारा इंटरव्यू इसके अंदर से ही रहेगा, 65 टॉपिक है टोटल, 65 टॉपिक्स के बाहर से इंटरव्यूअर पूछ नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। और थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे कि इंटरव्यू परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या बेसिक सिविल इंजीनियरिंग क्या क्या आनी चाहिए, वो 22 टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे के कराता हूँ। तो ये पूरे 4 महीने में एक तो ये पूरा हो जाएगा आपका, दूसरा यहाँ पर जो आपने सिलेबस देखा BIM का ये पूरा हो जाएगा, तीसरा गुरुकुल डिफरेंट क्यों है। ठीक है, जो पुराने टाइम में गुरुकुल होता था कुछ वैसा ही हमने गुरुकुल को का थॉट रखा है दिमाग में, तो देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं आपको गुरुकुल के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको ऑफिस जॉब चाहिए, मेरा टारगेट ही ऑफिस जॉब है, क्योंकि मुझे पता है साइड जॉब के लिए आप थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि बार क्या होता है, बार के साइज क्या होते हैं, कवर क्या होता है, मिक्स प्रपोर्शन क्या होता है, आप साइट पर लग जाते हैं। मेन होता है आपका ऑफिस के जॉब के लिए स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे मार्केट में है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एक ऑफिस जॉब को लेकर अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, जितना मेहनत कर लोगे उतना पहुँच जाओगे। मेरा कोई फेक प्रॉमिस नहीं रहता किसी के तरह कि 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो मैं कौन होता हूँ। ठीक है, आप जितना मेहनत कर लोगे उतना आपको मिलेगा, अगर मेहनत मानते हो। ठीक है, अगर मुझे कुछ समझ रहे हो, अपना मेंटर बना सकते हो तो आओ, आपके ट्रस्ट को कभी मैं ब्रेक नहीं करूंगा, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि आज तक कभी नहीं किया, लगभग 150 से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसका जो मेन सिलेबस रहता है, अगर बात करूँ जो जैसे कि सभी को लगता है ना पता नहीं क्या पढ़ेंगे, तो आप जनरली ये इतनी चीज़ें फिक्स है कि पढ़ोगे, ऑटो कैड है, रेविट आर्टिचर स्ट्रक्चर, रेविट MVP, नेविसवर्क, स्केचअप, 3ds Max, टिकला, ये तो मेन है। इसके अलावा ऑल BIM कॉन्सेप्ट, जिसका अभी आपको दिखाया 65 टॉपिक है ना, 65 प्लस 22 टॉपिक्स, ये टोटल BIM कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक हैं, तो ये भी आप 4 महीने में कंटिन्यू पढ़ेंगे। इन इन सब के अलावा, क्योंकि इन सबको तो आप वीडियो से भी वॉच कर लोगे, जो डाउट रहेगा वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, मेरा मेन टारगेट क्या है, ठीक है, आपने देखा ना अब से कितना कॉन्फिडेंस होकर आंसर दे रहे थे, जबकि 2022 का है, हमको लगता है कुछ ही लोग होंगे जो उससे बड़े होंगे, लगभग सब मतलब सभी लोग उससे बड़े होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो उससे छोटे होंगे। अब उसका कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा था, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेरा पहला प्रायोरिटी होता है। इसके लिए हर हफ्ते मैं मॉक लेता हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है। ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी, मैं आपका डेली असाइनमेंट्स चेक करता हूँ, तो डेली असाइनमेंट चेक करने से, डेली असाइनमेंट देने से आपके अंदर आदत हो जाती है रोज़ काम करने की, वही मेरा टारगेट है। इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर मैं करा दूंगा कि क्या क्या पूछेंगे, और अभी तक तो यही हुआ है, लगभग 200 बच्चे BIM में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनका यही करना है कि सर जो आपने पढ़ाया उसके अंदर से ही पूछा गया है। तो ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फेयर, आपको जो इंटरव्यू का डर होता है क्या बोलूंगा इंट्रोडक्शन में, वीकनेस में क्या बोलूंगा, स्ट्रेंथ में क्या बोलूंगा, सब मैं बता दूंगा। ठीक है, वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी ऑल्सो सपोर्ट हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। ठीक है, अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा एक रशिका है, बहुत से ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ पर अच्छी ओपनिंग्स चल रही हैं, उन ओपनिंग्स को कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं लगभग लगभग एवरी डे बताता हूँ, 1 महीने 1.5 महीने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप सीखते हो। डेली टास्क दूंगा, डेली सबमिट करना होगा आपको, और डेली वीडियो भी दूंगा वॉच करने के लिए, और वीडियो को भी आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस वीडियो हमने क्या वॉच किया है, उसकी एक्सेल शीट बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल शीट से हमें आइडिया लग जाता है आप कितना वॉच किए हो। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपका मजबूत करा दूंगा, जो भी आपने अगर आपने इंजीनियरिंग में अच्छे से थोड़ी स्टडी नहीं की हुई है तो ये फिक्स है कि इसमें आपको उतना चीज़ पढ़ा दूंगा कि आपका सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीकली आपका मॉक होगा, HR राउंड, टेक्निकल राउंड दोनों ही होगा। इसके अलावा लाइव कैट टेस्ट होता है, मतलब आपको ड्राइंग दूंगा, इतने मिनट में आपको कंप्लीट करना है। MCQ टेस्ट होते हैं आपके, और उसके बाद 4 मंथ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू कहता है ना कि आप क्या बोलते हैं, आप कर क्या रहे थे, तो सीधी सीधी बात है कि आप 4 महीने इंटर्नशिप कर रहे थे, और ये इंटर्नशिप का पोर्टफोलियो है मेरा, ये कवर लेटर है, देख लो, फिक्स है कि उसको दिखाने के बाद सामने वाला कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, इसकी जो फी है नॉमिनल है 20,000 पूरा, जिसमें लाइफ टाइम के लिए सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा, सारा प्रिपरेशन इसी में हो जाएगा,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस मेरा एक एम है कि मैं लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल सिविल के अंदर भी दिला सकूं, इसी एम को मैं कंप्लीट कर रहा हूं आप लोगों के सपोर्ट से। तो बस इतना सही मैं बोलूंगा और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक है आप लोग इतना विश्वास करते हो। कुछ लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, उनको शायद कम समझ में आया होगा, तो आप इसका वीडियो देख लेना, वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ये तो रहा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट गुरुकुल। अब आपके क्वेश्चंस लेता हूँ तो उससे ज़्यादा क्लियरेंस होगा कहाँ पे डाउट है। प्लस सुबह 7:30 से 9 बजे तक ट्रेनिंग है आपकी। 7:30 से 9 में जो 1.5 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है जिसमें 30 मिनट्स में केवल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें मैं डेली आपका टास्क चेक करता हूँ, आपने क्या किया उसका एक्सेल शीट होती है, कैसे किया, कुछ गलत है तो उसको बताता हूँ। नेक्स्ट 30 मिनट जो होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि घर से आपको क्या वॉच करके आना है, लेक्चर भी देता हूँ डेली वॉच करने के लिए। प्लस आपको कोई डाउट है लास्ट वीडियो वॉच करके, कोई डाउट है तुरंत पूछो उसी दिन, ठीक है। तो लास्ट का 1.5 घंटा डाउट का होता है जो आपका होता है, बीच का 1.5 घंटा जो होता है हमारा और आपका होता है, आपका असाइनमेंट मेरा चेकअप, ठीक है। और स्टार्टिंग का आधा घंटा पूरा मेरा होता है, मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं ये पूछ सकते हैं, बस 4 महीने तक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, सब कवर हो जाता है इसमें। टाइम का कभी मैं सोचना 4 का 5 भी लगा 6 भी लगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप में से कोई ये न कहे कि यार मैं गया था इस जगह पे, ये टॉपिक अगर सर ने पढ़ा दिया होता तो हो जाता, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि कवर अप कर दिया जाए। इस ट्रेनिंग को वही लोग करना जिसके पास लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम हो, इससे कम टाइम है तो मत करना, क्योंकि आपके पैसे का लॉस होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मत करना, क्योंकि सिर्फ सुनने से कभी भी कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंटर्नशिप की सबसे खास बात, 80% के नीचे अगर आप अटेंडेंस देते हो तो आपका नहीं इंटर्नशिप का आपको लेटर मिलता है और न ही कोई बेनिफिट होगा इस इंटर्नशिप को करने का। तो ये समझो कि अगर 100 क्लास हो रही है, 80 क्लास में मैं प्रेजेंट रहूँगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलो कबीर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। आशा करता हूँ सबको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा अबाउट गुरुकुल। हाँ कबीर, कुछ पूछना है क्या कबीर सिसोदिया? यस सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर। जो अपनी ये क्लासेस होगी, करेक्ट, ये BIM की जो ऑफलाइन होगी सर या मतलब ऑनलाइन होगी? ऑनलाइन होगी, 7:30 बजे। ऑफलाइन कैसे, आप कहाँ से हो? मैं हूँ सर इधर दिल्ली से। हाँ, अभी मैं पुणे में हूँ तो ऑफलाइन का तो कोई टास्क नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरी सर, जैसे बोलो, जैसे सर मैं क्या है सर, जॉब करता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स है उस वजह से, तो 9 to 5 वाली जॉब है सर मेरी। हाँ तो सर, लेकिन मेरे को मेरा करियर BIM के अंदर ही बनाना है और इसमें मेरे को एक्सपर्ट बनना है, मतलब एकदम करेक्ट है। तो देखो तो सर, हाँ बोलो बोलो, आप बताओ, मतलब सर जैसे टाइमिंग वगैरह हो जाएगा सर? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 7:30 से 8 तक तो आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेटली अगर आपका जॉब है तो आपका जो डाउट है, जैसे ही 8:30 बजता है आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डाउट आपको आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। इन केस आया तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इवनिंग में 7 से 8 एक अलग से डाउट लेक्चर भी होता है, ठीक है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके। तो तुम जैसे तुम जॉब में जा रहे हो तो तुम डेफिनेटली तुमको प्रॉब्लम होगी, तो 7:30 से 8 लेक्चर, 7:30 से 8:30 लेक्चर अटेंड कर लो और इवनिंग में आके अपने डाउट पूछ लो, ऐसा कर सकते हो। और सर इसकी फीस क्या होगी सर अपनी? वही 20,000 इसकी फी है, जिसको आप पार्ट में या फिर वन टाइम में अगर करते हो तो 18,000 वन टाइम का फी रहता है। ओके, ठीक है। और 5,000 पे करके अपना सीट फिक्स कर सकते हो, DM कर दोगे तो हम डिटेल्स शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। ओके सर, ठीक है। आप ये फिक्स मान लो कि अगर मुझे 4 महीने अगर अच्छे से दिए तो कभी इतनी क्लासेस के बाद इसकी सर रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएगी, मिलती ही है, मिल जाएगी क्या, सबको मिलती है। ओके, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान देना कि ऑफिस से आने के बाद भी आपको 2-3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, ठीक है, तभी करियर बनेगा। और BIM में आपको दिल्ली में और गुड़गांव में, और यहाँ तो देखिए याद कर लो कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर, ये इसका मेन मेन जगह है, ठीक है। छोटी मोटी जगहों की बात करूँ तो औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, ऐसे जगहों पर भी काफ़ी डिमांड है। थैंक यू सर, चलेगा, डिसाइड कर लो फिर मुझे बताना। चलो अंसारी, अंसारी कुछ बोलना चाह रहे हो? अंसारी, ठीक है, अंसारी के बाद नदीम। हेलो हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो ना।
सर मेरा जो कन्फ्यूजन है सर बीम से रिलेटेड ही है। हाँ बोलो ना। कुछ लोगों ने बोला नहीं इसमें स्केचअप भी सीखना है, टेक्ला भी सीखना है। मैंने रिविट ऑलरेडी सीख रखा है लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया हूँ। करेक्ट। तो रीजन वही है फाइनेंशियल, तो हाँ। मैंने जो साइट इंजीनियर का जॉब पकड़ रखा हूँ अभी करेक्ट, और वर्किंग में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा लैपटॉप ले लूँ इसके लिए, इसके बाद ही जो इसके ऊपर जो है ना फोकस करेंगे अच्छे से। लेकिन करेक्ट। आप ये बता दो सर कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है बीम के लिए सीखना पड़ेगा और अपने को ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। रेबिट अच्छे से आना चाहिए, इसके बाद टिकला और नेविस वर्क, बस ओके ओके ऑटो इतना इतने से कैड तुम्हारा काम हो टोलेट। जाएगा। जी 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 अच्छा। ठीक है। और ये डिजाइनिंग में हमने जो है ना इसका बेसिक नॉलेज हमने सीखा भी है स्टेट प्रो का, उसका क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो ज्यादा हमने नहीं है कोर्स इसमें, किया था ना सर क्योंकि दिल्ली में। उसका बोलिए उसका बोलिए। उसका रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट अलग है। ठीक, आप बीम अच्छा कंसल्टेंट अच्छा बन रहे हो, ओके ओके ठीक है, ओके तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बस रेविट अच्छे से आना चाहिए, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स खास तौर से, और टिकला अच्छे से आना चाहिए, और इसके साथ नेविस वर्क आता है जी तो जी सोने पर सुहागा है। अभी देखो बताया ना प्रियदर्शी ने, उसका काम नेविस वर्क पे चल रहा है अभी कंपनी में, तो ये फायदा होता है। जी 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 चलिए, और कुछ डाउट मैंने आपको? आपका जो नहीं नहीं कोई डॉट नहीं है, हाँ बस यही जो डॉट था मैंने पूछना था क्योंकि मेरा फ्रेंड है शरीफ अभी वो लाइन पे है। शरीफ अहमद ना, जी जी शरीफ अहमद शरीफ तो है अपने बैच में ही है, वो तो अपना ही स्टूडेंट है। हाँ बैच में उसने ही मुझे बोला, तो हाँ मैंने बोला कि यार मेरा जो कर था कि बोल रिविट सीखने के बाद उसके अंदर में वो बीम आ जाता है बिल्डिंग हाँ इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, करेक्ट। रेबिट बीम तो का इसके लिए एक मुझे मेन कर। मेन सॉफ्टवेयर है। अच्छा। ओके 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 ठीक ठीक है, और रेबिट है से सर। अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, बट पहले तुम लैपटॉप का अरेंजमेंट करो, अभी ट्रेनिंग मत करो, कोई मतलब मीनिंग्स ओके नहीं निकलेगा। ठीक है, पहले लैपटॉप अरेंज करो। ठीक है, तो चलेगा। अभी हाँ मिनिमम कितने का लैपटॉप लेना पड़ेगा जो अपना काम हो जाएगा सर। देखो, अगर तुम अपने पैसे से ले रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम 60,000 के आसपास, 50 से 60 लगेगा। ओके अपने ठीक है, 50 से 60। पैसे से ही लेना है सर, हाँ ठीक है, नहीं घर देखो, वालों ने पढ़ाया अब उसके बोझ नहीं बनना चाहता मैं। हाँ ये बहुत अच्छी चीज तुमने बोली। कल मुझे कोई बोल रहा था कैसे कि सर पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बोला पैसे का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि पप्पा खर्च कर रहे हैं। जी ठीक है, पैसे का प्रॉब्लम तो इस कुछ लोगों को होता ना कैसे कि सर पैसे हाँ हाँ का, मैंने बोला कि किस बजट में तुम लैपटॉप लोगे, तो बोला सर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जितने का बोल लिए। तो मैं समझ गया कि हाँ ये जी खुद का जी पैसा तो नहीं है। ठीक है, मैंने बोला किसका है, तो सच्चाई तो हाँ सामने ही बोला पापा से लेंगे। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई पापा से लेना है तो काम चलाऊ वाला लो, खुद से मेहनत कर रहे हो तो अच्छा वाला लो, उल्टा करना चाहिए वैसे। जी खुद से लेना है सर, ऐसे घर हाँ वाले ने कभी लोड नहीं डाला मेरे ऊपर कि तुम लैपटॉप ले लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुमको हाँ नहीं कभी नहीं कुछ नहीं बोला उसने। जी वो अच्छी आदत भी नहीं है। ठीक है, नहीं खुद तो से, आदत लग जाएगी ना सर अपने। हाँ खुद से करने का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो एक अलग मजा होता है। और जी कंसिस्ट, मैं गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट ही कंसिस्टेंसी है। मैं आपको बताता हूँ कि जी मैं डेली सौंफ खाता हूँ, ठीक है, तो जी मैं सौंफ को डेली खाता हूँ, तो मेरी आदत है कि मुझे अभी मेरे एक सौंफ खा रहा हूँ तो दूसरा सौंफ का मेरे पैकेट अलग से ला कर रख दिया हूँ कि अगर खत्म हो गया तो क्या खाऊंगा। मैं सिर्फ एक, जी एक चीज़ जी बता रहा हूँ कि ऐसा, मैं सोचो मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि यार मेरी प्रैक्टिस हो गई है सौंफ खाने की, ठीक है, तो अब हाँ मेरे को आदत हो गया, तो मेरी प्रैक्टिस में आ गया। तो अगर इसी तरीके से हमारे प्रैक्टिस में क्लासेस आ जाए कि आपको डेली असाइनमेंट्स करना है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस हाँ करना है, तो सक्सेस तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। राइट राइट ठीक है, तो गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट यही है, करने को तो लोग वीडियो कोर्स भी कर सकते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है, तो कंसिस्टेंसी गुरुकुल के लिए बहुत अहम रोल करता है, प्ले करता है। ठीक है, चलो मैं दूसरों को भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ओके ओके सर थैंक यू सर। चलो ओके। नदीम अपना माइक ऑन कर लेना, उसके बाद सुहेल, फिर ऋषिकेश करेंगे, और फिर सुहेल। हेलो सर, हाँ गुड गुड हाँ इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नदीम, कल कल तुमसे सर बात हुई आवाज़ आ थी रही ना, मेरी? आ रही है, कल तुमसे बात हुई थी ना? हाँ, बस खाली एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन है बोलो और कुछ बोलो नहीं बोलो है बोलो बोलो। सर। ये जैसा आपके बनाए हुए 3D मॉडल्स में वैसा बिम के कुछ पिक्स वगैरह मिलेंगे क्या सर देखने के लिए अभी? मिल जाएंगे अभी तुरंत दिखने के लिए। ठीक है क्या बस। मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा ना, सर, मेरे पास अगर तुम फाइल देखोगे तो एक्चुअली बिल्कुल इतनी फाइल्स मेरे पास है कि अभी मैं तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। मेरे पास हार्ड डिस्क जो है ये कोई नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं है, 5 TB की हार्ड डिस्क है, 5 TB। और ऐसे करके ओके मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, तो इतना कंटेंट है कि मुझे खुद ही याद नहीं रहता है कहाँ पर रखा है।
सर ये और एक चीज है, हाँ जैसा आपके पास तो हम ट्रेनिंग लेंगे, उसके करेक्ट, बाद अगर हमें प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास से ही कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे या? उसके बाद नहीं मिलते, उसके साथ मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में मेरे को कोई फायदा नहीं होगा ना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि अभी मेरे पास प्रोजेक्ट आया, अभी जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट को पता है कि जैसे 32x70 का प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है, अब मैं कोई कंसल्टेंट को दूँ कि भैया तुम इसको करके दो, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उसके जगह पे मैं तुमको सिखा के तुमसे ही करवा दूँ, तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ कि हमारे पास 20-25 बच्चे होते हैं एक साथ, और दो तीन बैच मिला के 75 बच्चे हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे लाइव लाइव प्रोजेक्ट है तुमको दे दिया, मैं ये मान के चलता हूँ कि 75 में से दो तीन तो जरूर अच्छा बना देंगे, ठीक है। यही वजह सर आपसे आपके पास आने की कि आप रियल टाइम काम कराते हो, कि बस फील्ड वर्क सीखो पहले आप। इससे मेरा बेनिफिट हो रहा है, तुम्हारा भी बेनिफिट है, जी सर। ठीक है, तो मेरा बेनिफिट क्या है कि मुझे मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम ही हमारे मैन पावर हो जाते हो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुहेल खान खान साहब, सुहेल खान पूछ लो, कुछ पूछना है तो, ठीक है। उसके बाद कटरे कुछ बोलना चाह रहे क्या, पूर्णिमा कटने कटरे, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो किसी को दिल पे ना लगे। पूर्णिमा कटरे, आप अपना माइक ऑन कर लेना। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ और ऑटोकैड और 3D Max मेरा बहुत अच्छा है सर। वैसे कहाँ से हो आप? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। गोंदिया से? ओके ओके, गॉट इट। हाँ बोलो। अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए सर, मैं देखो अभी सेट में वर्क कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, तो अगर सॉफ्टवेयर जैसे आप पूरे ही ले रहे हो सर, तो उसमें तो मेरे दो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, तो क्या फीस में कंसेशन नहीं होगा क्या? नहीं, क्या होता है, फीस की बात नहीं है, फीस हमारे लिए सेकेंडरी होता है हमेशा पूर्णिमा, लेकिन बात ये कहते हो कि जैसे कि आपको जो आता है ना, ठीक है, मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करता हूँ तो आपको लगे नया है, ठीक है। हम जो ऑटोकैड सिखाते हैं वो ऑटोकैड ही अलग रहता है, ठीक है, क्यों, जनरल प्लानिंग तो सभी सीखता है, ठीक है। हमारा क्या टारगेट रहता है, हम स्ट्रक्चरल डिटेलिंग सिखाते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर रेरा के रूल्स पढ़ाएंगे, हम उसके अंदर वास्तु के रूल पढ़ाएंगे, बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग नियम से पूरे चलेंगे, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के कॉन्सेप्ट, ये ऑटोकैड का सिलेबस बता रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के कॉन्सेप्ट आएंगे। अब तुमको वो लगेगा यार ये तो नहीं है ऐसा, तो मेरा जो सिलेबस है वो एक्चुअली जो आपने सीखा हुआ है उससे काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। जो साइट पर यूज में आता है मैं वही पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सीधी सीधी बात है किताबों तो बहुत है, मैं अगर आपका कैमरा अपना घुमाऊंगा तो मेरे पास किताबों का भंडार है, बट उसका क्या मतलब है, जो इंडस्ट्री को यूज में है वो मैं पढ़ाता हूँ, गॉट इट। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सीखना तो आपको सब पड़ेगा, ठीक है, और यही इसका एक्चुअली मेथड है, ऐसा कुछ मैंने अलग किया नहीं हुआ है सर, ठीक है। और जो फीस है वो एक साथ ही देनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप पार्ट में करके दे सकते हो, ठीक है, पार्ट में आपको जैसा भी कम्फर्ट हो करके आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। किसी और हम जॉब वगैरह कर रहे हैं तो टाइमिंग शेड्यूल भी? टाइमिंग यही रहे 7:30 से 9, इसीलिए मैं रखता हूँ जिससे कि 9 के बाद ही सारे ऑफिसेज होते हैं ना, ठीक है। आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है सर? हम मेरा तो 11 से 7 है। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका तो बेस्ट है, ठीक है। आप मॉर्निंग 7:30 से 9, ठीक है, तो ये तो बेस्ट है। और बाकी प्रैक्टिस का तो आप चाहे जब कर सकते हो, लाइव लेक्चर चाहे जब देख सकते हो, मतलब वो क्या बोलते हैं वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। क्लासेस के बाद यानी आप कंपनी रेफरेंस वगैरह करते हो सर? क्लासेस के बाद नहीं करता हूँ, क्लासेस के साथ करता हूँ, ठीक है। क्लासेस के साथ क्यों? क्योंकि क्लासेस के बाद क्या होगा ना, आपकी अभी तो मेरे इतना आपको मेहनत से बनाऊंगा 2 महीने 2.5 महीने में, और मैं अगर आपको 6 महीने बाद ओपनिंग दूंगा तब तक आप सब भूल जाओगे, मेरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपका 1.5 महीना खत्म होता है उसी समय मैं बताने लगता हूँ कि देखो यहाँ पर ओपनिंग चल रही है अप्लाई करो, यहाँ ओपनिंग चल रही है अप्लाई करो। मैं चाहता हूँ कि 10 कंपनी में आप जाएँ तो 9 कंपनी में आप रिजेक्ट हो जाए। आप लोग सर रिजेक्ट क्यों करवा रहे हो? तो रिजेक्ट करने से ये पता चलता है कि हम रिजेक्ट हो क्यों रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के होते होते ही हो जाए तो बेस्ट है ना। तो मैं आपको 9 कंपनियों में रिजेक्ट कराऊंगा लेकिन 10वें में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये मेरा एम रहता है। बिकॉज सर क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर कोई आईटी में जा रहा है और लड़कियों के लिए कोई भी सिविल वर्क या नहीं। देखो एक चीज बताऊं,
थ्री डी एस मैक्स का मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। थ्री डी एस मैक्स और ऑटो कैड पर जॉब की लिमिटेशंस है, ठीक है, मैं आपको बिना आपके एक्सपीरियंस के बता दूं, 15,000 से 25,000 के बीच में ही जॉब ऑफर्स होते हैं, चाहे जितना सर्च कर लो रेविट और थ्री डी एस मैक्स पे, कोई एक्सेप्शन केस अलग होगा, राइट है, ठीक है। लेकिन ये चीज आप BIM के अंदर जाते हो, ठीक है, अभी अभी हमारा एक स्टूडेंट है अमित, क्या नाम, अमर नाम है आई थिंक उसका, ठीक है, तो अभी उसको BIM के अंदर 9 लाख के पैकेज ऑफर हुआ है, ठीक है। उसका मेन रीजन बताता हूँ कि BIM का एक लिमिटेशन नहीं है, थ्री डी एस मैक्स की एक लिमिटेशन है। थ्री डी एस मैक्स में सिविल इंजीनियर क्या करेगा, केवल रेंडर करेगा, वट इट मॉडल बनाएगा, इंटीरियर कर लेगा, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रेविट है इसका लिमिटेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा थ्री डी एस मैक्स आता है आपका, ये हमेशा प्लस पॉइंट ही रहेगा। इसके साथ रेविट और टेक्ला पे फोकस करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, चलेगा। और किसी को कुछ डाउट रहेगा इसके, मान लीजिए क्लास के अलावा भी, तो आप बिल्कुल मुझे DM कर लेना। बट उससे पहले हम ऋतिक मेहता से बात करते हैं। भाई ऋतिक मेहता, गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअल में सर मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है मेरा मास्टर्स कोर्स, मैंने सर मैंने एनरोल कर दिया है। करेक्ट। तो सर इसमें आप मुझे सर गाइड करेंगे क्या सर, कि हम लोग ये 4 महीने मींस बिकॉज आई एम इन द मास्टर स्टूडेंट, तो मैं तो सर अभी जॉब के अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना, क्योंकि सर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर जॉब अगर उनको उन्होंने बोला तो मैं ये कोर्स नहीं छोड़ना चाहता। एमटेक, एमटेक किस किस डोमेन से कर रहे हो? सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से। अच्छा, तब तो करना पड़ेगा, मुझे लगा तुम स्ट्रक्चर से कर रहे हो तो मैं तुमको मना कर देता, लेकिन तुम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से कर रहे हो तो देखो ये अभी तुम्हारे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है इसको करना, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि तुम जरूरी नहीं कि इसको करो, हाँ अगर तुम जैसे कि तुमने मुझे कॉल तो नहीं किया था, किसी ने बच्चे मुझे कॉल किया था 4 बजे के आसपास, तो उसका भी शायद यही क्वेश्चन था कि एडमिशन में ले लिया हूँ एमटेक में तो, बट क्या बोलते हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने बोला जनरली तो नहीं करना चाहिए, बट अगर तुम अपनी पॉकेट मनी बनाना चाहते हो, ठीक है, अपना एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो, तो फिर ये तुम्हारा हेल्प करेगा। किस फॉर्म में पता है, तुम्हारे एरिया में जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है गाजियाबाद में करता है वो, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तुम एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के डायरेक्ट उनसे जाके मीटिंग कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, अब हमारी क्वालिटी को चेक कर लीजिए कि हम कैसा बनाते हैं, बाकी ये हमारा पोर्टफोलियो है, इसे हमारा काम भी देख लीजिए, और इस तरीके से तुम नेटवर्क बना के, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम पैसे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट जैसे कि किसी को नीड होती है तो बहुत अच्छा तरीका है ये कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर से काम उठाओ, घर पे बैठ के करो और दूसरे दिन ले जाके सबमिट कर दो, और कॉलेज तो चल रहा है, क्योंकि देखो मास्टर्स कितना टफ होता है आपको पता है कि आराम से एग्जाम के टाइम पर आप पढ़ लेते हो निकल जाता है। हाँ सर, बिकॉज सर लाइक मास्टर्स में भी अगर हम लोग देख रहे हैं सर, तो आफ्टर कॉलेज निकालने के बाद जब भी हम लोग बाहर आते हैं तो सर वो पैकेज कम है, बिम का आपने जैसे बोला 9 लाख है, तो वो उतना पैकेज नहीं जा रहा है, तो अब मैंने इसलिए सर बिम में पैकेज मिल रहा है तो यहाँ मैंने एम किया है। हाँ मतलब तुम्हारा ये कहना है कि बिम में पैकेज नहीं मिला, ऐसा बोल रहे हो? नो सर, लाइक मैंने सर बीटेक किया था सर, हाँ। उसके बाद सर मेरा इतना पैकेज नहीं लगा था, तो मैंने वो प्लेसमेंट छोड़ के एमटेक ले लिया था, ठीक है, तो अभी सर वो चल रहा है, तो हाँ। उसके साथ साथ यहाँ पे भी सर पता चल रहा है कि इतना हाई पैकेज चाहिए तो स्किल में बिम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, स्केड्यूलिंग आना चाहिए, हाथ से स्केड्यूलिंग कर रहे हो तो नहीं लेंगे, वैसा सब सर लोग बोल रहे हैं, तो वो सीखना अभी मेरे लिए शायद जरूरी हो गया है जरूरी हो ये गया टाइम है। पे ठीक है, अभी से अगर सीख के रखो तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा ऋतिक। इसके साथ मैं बोलूंगा कि सीख के बैठो मत, अगर सीख के बैठना है तो मत सीखो, आप लोग सर क्यों भूल जाओगे, अगर सीख के अपना इस तरीके से पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट कर दो तब तुम सीखो, अगर तुम सीख के सोच रहे हो कि 2 साल बाद जॉब स्टार्ट करूंगा फिर मत सीखो, क्योंकि फिर भूल जाओगे तब तक में, और फिर वो मतलब कि उसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा। अगर देखो मैं तो होकर तो तुम्हारी जगह पे मैं कॉलेज में खुद ही ऐसा कर रहा था कि मैं कॉलेज के साथ अपना ये पार्ट टाइम 200 रुपये 500 रुपये में प्लान दे रहा था, नॉट ओनली फॉर मनी ऑल्सो फॉर द नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क पे पैसा देता है, ठीक है, नेटवर्क मतलब जितना आपका कनेक्शन है उतना बेहतर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जैसे तुम पैकेज की बात कर रहे थे, देखो पैकेज किसके बिहाफ पे होता है यार, पैकेज हम सब इंजीनियर इतना तो हम सबका दिमाग है ही, पैकेज का मतलब सीधा होता है कि हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आज मुझे ओमिश पांडे या फिर ऋषिकेश या फिर ऋतिक आए और बोले कि सर हम आपके यूनिक सिविल में मंथली 1 करोड़ का टर्नओवर दे सकते हैं अपने बिहाफ पे,
ठीक है, और ये मुझे गारंटी देते हैं कितना मैं काम करके दे दूंगा कि आपका 1 करोड़ के आसपास का अर्निंग होगा। और फिर ऋतिक या फिर कोई और हमसे बोले कि इसके बदले में आपसे 10 लाख रुपए मंथली लूंगा, तो बताओ क्या मैं मना करूंगा? ऋतिक तुम खुद ही आंसर करो। नो सर, आप नहीं, वैसे बोलेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई, मुझे 90 लाख रुपए मिल रहा है, तुम तो 10 ही लाख मांग रहे हो। तो मतलब कुल मिला के पैकेज किस पे डिपेंड करता है, हम कितना सामने वाले को अपनी स्किल्स दे रहे हैं, जितनी सर्विस उतना ज़्यादा पैकेज। एक लड़का है मेरा दोस्त है, तो मुझे फ़ोन किया, यार क्या कहूँ, जैसे अपने सिविल में कुछ नेगेटिविटी है ना, क्यों सिविल ले लिया, मेरी सैलरी जो है वो बड़ी ख़राब है। मैंने बोला कितनी सैलरी है, तो बोला कि 25,000 रुपये मेरी सैलरी है, कोई लाइफ नहीं है, मतलब क्या है 25,000 में क्या होता है मेरे को। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सैलरी 25,000 है, तो बोला हाँ। तो मैंने बोला कितना एक्सपीरियंस है, तो उसने बोला 4 साल से काम कर रहा हूँ यार, 25,000 पे ही मेरी सैलरी हो रही है, मतलब 25,000 मेरी सैलरी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि तुम्हारे टीएल की कितनी सैलरी है, तो बोलता है अरे यार उन लोग का तो अच्छा है, वो 75,000 के आसपास उसका टीएल ले रहा था। मैंने बोला तुम्हारा मैनेजर कितना ले रहा है, बोलो मैनेजर की तो भाई ऐसे है, वो 1 लाख के ऊपर है पैकेज लेता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है बट 1 लाख के ऊपर है उसका। ठीक है, मैंने उसे पूछा कि उसके आगे जो तुम्हारे एबीपीज हैं जो तुम्हारी कंपनीज के, उनके कितने हैं, तो बोले वो सब तो 2.5 लाख 3 लाख के पैकेज होते हैं, ऑडी वगैरह से आते हैं, अच्छी अच्छी उनकी लाइफ स्टाइल है। तो उसको मैंने सिर्फ यही बोला कि कुछ समझ में आया, तो उसने बोला नहीं समझ में तो नहीं आया। मैंने बोला इतने लोगों के जो मैं नाम ले रहा हूँ, तुम इनमें से क्यों नहीं हो, तुम अपने कंपनी के टीएल क्यों नहीं हो, तुम अपने कंपनी के मैनेजर क्यों नहीं हो, अपने कंपनी के एबीपी क्यों नहीं हो, या फिर एक्स वाई जेड प्रोफाइल पर क्यों नहीं हो। मतलब वो उस कंपनी को उतनी वैल्यू ऐड कर रहा था कि जिसका प्राइस बनता है 25,000, टीएल उसी कंपनी के लिए इतनी वैल्यू ऐड कर रहा था कि उसकी प्राइस बन रहा था 75,000, मैनेजर इतना वैल्यू ऐड कर रहा था कि उसका प्राइस बन रहा था 1 लाख। कुल मिला के आपकी सैलरी डिपेंड करती है हाउ मच यू कैन गिव टू योर कंपनी। ठीक है, जितना आप कंपनी को देते जाते हो। हम लोग के पास कई कोई ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं, लगता है कि यार ये छोड़ के चले जाएंगे तो कैसा काम होगा, और यही पहचान होती है अच्छे एम्प्लॉय की कि उसके बिना वो काम रुक जाए या फिर उतना बेहतर ना हो पाए। चलो शायद तुमको आंसर मिल गया होगा कि हम जितना वैल्यू ऐड करेंगे उतना हमको पैसे मिलेंगे। 75 भी वहीं पा रहा है, 25 भी वहीं पा रहा है, और हो सकता है उसी कंपनी में कोई 12 भी पा रहा हो। ठीक है, कोई वो नहीं है, पा सकता है, क्यों, क्योंकि 12 वाली वैल्यू ऐड कर रहा है वो। ठीक है, तो हम वैल्यू जितना ऐड करने के लिए, और वैल्यू ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, ये स्किल्स केवल जरूरी नहीं कि टेक्निकली हो, टीम लीडिंग की स्किल्स हो, ठीक है, कोलेब्रेशन की स्किल्स हो, ठीक है, टीम बिल्डिंग की स्किल्स हो, ठीक है, ये सारी स्किल्स भी बहुत हेल्प करती हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस आप बड़े बड़े लेके आ सकते हो, मतलब करोड़ों का टेंडर्स आपके एक्सप्लेनेशन करने से डायरेक्ट आ जा रहे हैं कंपनी में, कंपनी में जो आपकी वैल्यू होगी आप खुद सोच नहीं पाएंगे, आपको मालिक भी उसका बोलेगा सर सर। ठीक है, चलिए ऋषिकेश से बात करते हैं, फिर ओमिस पांडे से करेंगे। ऋषिकेश बोलो, ऋषिकेश तुमसे फोन पे बात हुई थी हमारी ना, और किसी का रहेगा तो हैंड रेज करके रखना। हाँ ऋषिकेश बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोलते हैं लैपटॉप के, तो मतलब अच्छा वो तुम्हारा डेल वाला लैपटॉप था ना, तुम्हारा डेल वाला लैपटॉप मेरे को पता नहीं था। हाँ सर, वो मैंने वापस कर दिया सर, वो सेकंड हैंड था। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम था सर। ओके, उसके बदले में दूसरा लेने वाले उनसे। ओके चलेगा, तो तुम ले लो, उसके बाद मुझे बोलना, पहले लेने से पहले मुझे बता देना कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरा नंबर तो है ही, कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, चलो ओके सर, चलेगा। ओमिस पांडे अपना माइक ऑन कर लो यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओमिस, बताइए। हाँ जी सर, जैसे कि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ। करेक्ट, तो बीम इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट बीटेक वगैरह हैं, तो इससे प्रॉब्लम। करेक्ट, आवाज कट गई तुम्हारी, मैक्सिमम ग्रेजुएट लोग हैं ऐसा बोल रहे हो फिर। हाँ जी सर, मैक्सिमम ग्रेजुएट लोग हैं, तो जी मेरा डिप्लोमा रहेगा तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी? नहीं होगी, बताता हूँ क्या होता है। देखो बीम के अंदर ना कई ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? बस यही है, ठीक है, शायद यही तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, मैं बता देता हूँ। कभी भी डिप्लोमा होल्डर के लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल मुझे जो लगता है, ठीक है, अगर मैं डिप्लोमा होल्डर होता तो मैं बीम चॉइस करता। ठीक है, रीज़न बताता हूँ।
डिप्लोमा में कई सॉरी बीआईएम में कई ढेर सारी प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें से दो प्रोफाइल जो होती हैं उसमें हमेशा डिप्लोमा होल्डर को ज़्यादा अच्छा क्या बोलते हैं लगता है, क्योंकि उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है डिप्लोमा के बिहाफ पे बोला जाए तो। बीआईएम जो मॉडुलर की जो प्रोफाइल होती है वो डिप्लोमा होल्डर के लिए ही होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की डिप्लोमा होल्डर होता है। बीआईएम स्ट्रक्चरल मॉडुलर की जो प्रोफाइल होती है उसमें भी डिप्लोमा होल्डर वर्क कर सकता है, इसलिए डिप्लोमा होल्डर के लिए बेस्ट जॉब है बिल्कुल। इवन तुम दूसरे किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे डिप्लोमा होल्डर को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना बीम के अंदर है, तो बिल्कुल तुम कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और मेरी भी मत मानो, जॉब्स गाइड में मैंने हज़ारों ओपनिंग्स बता रखी हैं कि यहाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है, उनके क्वालिफिकेशन को चेक करो, मैक्सिमम जगह पर तुम्हें डिप्लोमा डिग्री दोनों ही क्वालिफिकेशन के लिए वैल्यू मिलेगी। ठीक है उमेश जी? हाँ सर, जैसे मैं स्ट्रक्चरल वगैरह के लिए दिखा, स्ट्रक्चरल में नहीं, स्ट्रक्चरल में मत जाओ, मतलब कि मतलब कि कुछ समय बाद एमटेक भी हो जाता है कि एमटेक कराना चाहिए बंदा, कुछ समय बाद नहीं होता है उसमें, स्ट्रक्चरल में उसमें होता है हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए होता है, जिस बिल्डिंग की कैपेसिटी जो है वो हाई राइज मतलब जी प्लस 50 के आसपास हो, उन कंपनियों के लिए उनका रिमांड रहता है कि अगर ये स्ट्रक्चर से एमटेक किया है तो अच्छा रहता है, या फिर डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, दोनों ही रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस या फिर एमटेक, दोनों बराबर की वैल्यू में आते हैं, समझ आया? ठीक है, डिग्री okay, के साथ पांच साल, ओके चलेगा। चलो किसी को कोई और भी समस्या है तो हैंड रेस कर लो, उसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, आज संडे है तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, बाकी दिन तो लाइव लेक्चर्स रहते हैं। और यही बोलूंगा कि अगर आपको बीआईएम में अपना करियर बनाना है तो आई थिंक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैंने ये गुरुकुल का प्लान कैसे किया था थोड़ा सा इसकी कहानी, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका फिर स्टॉप करेंगे। गुरुकुल मेरा कोई बैच नहीं था ऐसा, मेरा कोई गुरुकुल ऐसा बैच नहीं था, मेरा एक स्टूडेंट है मेरा शुभम करके है, ठीक है, शुभम सिंह नाम है शायद उसका सरनेम है, तो शुभम ने मुझे ऐसे ही कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझे बोला कि क्या बोलते हैं सर मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बनाऊं, वो मेरे ऑल इन वन का स्टूडेंट था वो, ठीक है, तो मैंने बोला कि तुमने किया क्या, उससे जस्ट पूछा, सारा इंट्रोडक्शन उसका लिया, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम स्टैट प्रो में ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, ऑटोकैड में ये अच्छे से टॉपिक पढ़ो, फिर मैं तुमसे बाद में डिस्कस करता हूँ। बड़ा ही अच्छा लड़का था, उसने अपना पीछा नहीं छोड़ा, वो एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल कर सर मैंने पढ़ लिया है, आप लगे तो पूछ सकते हो, तो मैंने कहा यार ये तो अजीब मतलब कि एक हफ्ते में पढ़ लिया, मैंने पूछा, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ था वो, मैं खुश हुआ थोड़ा सा, अच्छा लगा मुझे उससे बात करके। फिर मैंने उसको बोला कि अब ये टॉपिक्स और पढ़ लो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, तो वो टॉपिक्स मैंने दे दिया डायनेमिक एनालिसिस का, वो उसने पढ़ा, फिर मैंने देखा उसका लेवल इतना ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने उसको जस्ट ऐसे बोला कि यार यहाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है तुम अप्लाई करो, क्योंकि मुझे पता चल चुका था, क्योंकि देखो यार एक्सपीरियंस के बाद ना ये आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ने से ये काम हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे वो आइडिया है, तो मैंने उसको बताया कि ये कंपनी में अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद तुम्हारा जॉब पक्का लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता था क्या पूछेंगे और इसको मैं बता रखा था। उसने अप्लाई किया, उसका जॉब लग गया तुरंत के तुरंत, उसकी सैलरी हुई 18,000 रुपये, कितनी सॉरी सॉरी 14,000 रुपये, 14,000 रुपये में उसका जॉब लगा। वो बोला सर 14,000 रुपये है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? मैंने बोला अभी क्या कर रहे हो? तो बोला सर अभी तो जस्ट 8,000 रुपये में एक जगह पैसे खड़ा रहता हूँ साइड के वर्क में। मैंने बोला उससे तो बेहतर है ना, गया वो 14,000 रुपये पे गुड़गांव में शायद, हाँ गुड़गांव में उसका शिफ्टिंग हुआ। फिर वो इतना अच्छा था कि उसके बाद भी बोलता है सर अभी भी कुछ कर सकते हैं क्या? फिर मुझे लगा कि हाँ यार अभी तो उसके पास खाली समय है, मैंने कुछ टॉपिक्स और उसको बताए, और फिर मैंने बोला इनको पढ़ो, ये मेरे कुछ वीडियोस हैं, इनको वॉच कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने उसको भी पढ़ा, और उसी बीच में एक मेरा स्टूडेंट है उसने बोला कि सर यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, किसी को जाना है क्या? मेरे को अब सीधी सीधी बात, जो टच में है वो ज़्यादा दिमाग में रहता है, तो मैंने उसको रिफंड दे दिया, उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। बिलीव नहीं करेंगे 18,000 रुपये उसका तुरंत सिलेक्शन हो गया विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स। गलत था क्योंकि 3 महीने में करियर नहीं चेंज करना चाहिए, बट रिक्वायरमेंट आ गई थी, मैंने कहा कर देते हैं, तो उसने 3 महीने में उसको किया, और उसके बाद वो तैयारी करता रहा, फिर उसको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन समझ में आने लगा, और अभी एक कंपनी है पुणे वहाँ की नोएडा की टी कुछ ऐसे टेक्निकल प्रोजेक्ट समथिंग करके कंपनी है, ठीक है, नोएडा की टॉप स्ट्रक्चर्स की कंपनी है जो कि केवल और केवल IIT और NITs को बनाती है, ठीक है, IIT और NITs और जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन करती है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उस कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सैलरी था 25,000, और ये जर्नी उसकी केवल और केवल 1 साल की थी। 1 साल पहले उसकी जर्नी एकदम अलग थी, 1 साल बाद अभी तो जहाँ सब उसका इंक्रीमेंट वगैरह भी हो गया होगा, 30-35 तक पहुँचा होगा,
एक साल में उसका इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ, तो मैं तो बैठ कर सोच रहा था यार इस बच्चे के अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि जो जो मैंने पढ़ा है वो करके चला गया। इतना तेज ग्रोथ तो मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है, मेरा भी ग्रोथ जो हुआ था स्लो स्लो हुआ था। 27 तक आने के बाद मेरी सैलरी रुक गई थी, फिर एक बार 37 हुई, फिर उसके बाद 47 हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी ऐसे सैलरी, पर उसका स्पीड मेरे से अच्छा था। तो मुझे ये समझ आया कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अगर किसी को गाइड करता हूँ तो पक्का है उसका जो कैरियर है वो ब्राइट हो सकता है। एक्सपीरियंस के लिए मैंने जस्ट यूट्यूब पे बोला और लोग इतना प्यार करते हैं कि तुरंत ही सबके सब आ गए और मैंने स्टार्ट कर दिया, और बिलीव नहीं करेंगे इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स सबके सबको बस पढ़ाता चला गया और उनके सिलेक्शंस होते चले गए। और अभी आपकी शायद 8 बैचेस हो गई हैं, आप 9वीं बैच हैं, ठीक है। और मैंने ये प्लान किया मैं सिर्फ 20 बैचेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का काम कुछ ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, 20 बैचेस कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा अब नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा गुरुकुल का कहानी कि मैंने गुरुकुल स्टार्ट कहाँ से किया, आप सबको मुझे लगा जस्ट ऐसे बताना चाहिए। रशीद कुछ बोलना चाह रहे हो? रशीद आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर बोलो बोलो। करियर के बारे में सर गाइड करो ना सर। अच्छा ठीक है, अभी क्या बोलते हैं आपका पास आउट ईयर क्या है? 21 21 है। और अभी क्या बोलते हैं कुछ कहीं पर कुछ काम वगैरह किया है? हाँ सर, क्या क्या किया था? साइट इंजीनियर साइट सर। इंजीनियर। सबसे पहले नहीं सर, वो असल में 21 पासिंग है, हाँ लेकिन पास आउट में 2019 में हो गया था सर। 19 में पास आउट हो गया था। ओके नहीं, 21 को मेरी डिग्री है। हाँ समझ गया, वो क्या बोलते हैं बैक वगैरह लगा रहा होगा ऐसा कुछ। नहीं, लॉकडाउन लग गया था ना सर, अच्छा हाँ ओके करेक्ट, तो 2 साल तो सर वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही थे। मैं चले 2 साल ही किया, डिप्लोमा होल्डर ओके करेक्ट। उसके बाद तो उसके बाद सर इंटर्नशिप किया, करेक्ट फिर ऑटो कैड सीखा सर, ओके स्टैट प्रो सीखा। ओके तो वो स्टैट प्रो ज्यादा सिखाई नहीं थी उन्होंने, जितना सिखाना था उतना ही सिखाए थे। तो उसके बाद फिर स्केचअप सीखा सर, ओके फिर वीरे सीखा, करेक्ट फिर एंडस्केप सीखा, करेक्ट फिर दिल्ली की कंसल्टेंसी है सर, ओके वहाँ पर 2 महीने जॉब किया सर इंटर्नशिप। ओके वहाँ मोहम्मद साहब करके सर है, ओके इंटर्नशिप ओके वो कंसल्टेंसी में है, हाँ हाँ साइड बैचेज लेते हो अलग से प्राइवेट, करेक्ट तो उनके साथ सर 2 महीने स्ट्रक्चर सीखा सर, फिर ओके 3 महीने से सर साइट इंजीनियर हूँ। ओके मतलब अभी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स का भी नॉलेज हो चुका है और क्या बोलते हैं मॉडलिंग का भी नॉलेज हो चुका है, क्योंकि स्केचअप और वीडियो दोनों सीखा हुआ है, और उसके बाद क्या बोलते हैं प्लानिंग का भी नॉलेज हो चुका है, राइट? हाँ सर, ठीक है, अब लेकिन आप सर स्ट्रक्चर में डिफिकल्टीज ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, एक्चुअली तुम्हारा बैकग्राउंड जो है शायद डिप्लोमा है ना पूरा, हाँ सर, ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है तो अभी देखो इसके लिए तो तुम्हारे लिए यह गुरुकुल अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो गुरुकुल है ये एक्चुअली अलग है, तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर्स का गुरुकुल बेटर रहेगा, ठीक है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। ये तो पक्का है कि स्ट्रक्चर्स के गुरुकुल, अभी बैच नहीं है उसकी, अलाउंस करूंगा अगर जब भी डेट लगा तो। स्ट्रक्चर्स के गुरुकुल में तुम्हारा बेनिफिट क्या होने वाला है कि वहाँ से तुम्हारा स्ट्रक्चर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो लगभग 50 प्रोजेक्ट के आसपास करोगे स्टेट और ईटैब मिला के, ठीक है, और 50 प्रोजेक्ट बहुत होता है उसमें कॉन्फिडेंस, और क्योंकि डेली एक प्रोजेक्ट करना होता है तो 2 महीने अप्रॉक्स चलते हैं दोनों मिला के, तो 2 महीने में अप्रॉक्स 50 प्रोजेक्ट अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तुम्हें करने से जॉब नहीं मिलेगा, अपना काम अगर करना है तो मुझे बताओ कि अपने काम के लिए बोल रहे हो, हाँ सर बिजनेस करना है सर, ठीक जॉब है नहीं करना है। ठीक है। तो अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहला काम, टेक्निकली तुम्हें काम तुम्हें सिखा दूंगा इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है, रटा दूंगा मैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का काम मैं रटा दूंगा, ये मेरी करो गारंटी है। लेकिन कभी भी बिजनेस, कल मैं शायद तुम्हारे लिए, तुम पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, मैं कल डिस्कस कर रहा था किसी ने, शायद तुम्ही ने पूछा था मुझसे, तो मैंने बोला था कि बिजनेस चलाना है, बाकी लोग जा सकते हैं, इनका एक टॉपिक है, आंसर कर रहा हूँ, आपका रुकने का मन करे सीखने का मन करे बिल्कुल करिए। बिजनेस में दो लोग ही क्या बोलते हैं मतलब सक्सेस कौन होता है, सक्सेस वो वनिया के पास जाओ, ठीक है, हाँ नदीम को याद है, ठीक है। तो बिजनेस में सक्सेस अगर पाना है तो सबसे पहले एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी आपको, रशीद सॉरी, तो आप ये सीखो कि हम काम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि काम करना तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन काम लाना,
ठीक है, तो इस पे काम लाने के लिए छलछल पैदा कर रहा था सर, क्या कर रहे थे 4 साल? हलचल सर, हलचल। हाँ, कि काम लाना कैसे? हाँ, तो उसके लिए वो प्लान वाली सेल थी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो समझ आया प्लान प्रोजेक्ट कैसे लेके आना है? मैंने सोचा सर वो प्लान फ्री में ऑफ कॉस्ट कर देता, पूरे नहीं, वो पॉम्पलेट। बहुत गलत प्लान है, वो मुझे याद आया, कल तूने बोला था, ये कभी मत करना। किसी को भी कोई चीज़ अगर तुमने फ्री में कर दिया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इसके जगह पे मैं तुमको एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है, तुम कॉस्ट कम करके दे दो, ये चलेगा, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अगर तुम फ्री में करके दिए ना, तो उसकी वैल्यू जो होती है बहुत डिक्रीज हो जाती है। मुझसे किसी बच्चे ने बोला कि, हाँ बोलो बोलो। अगर सर सारे ये जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, कंसल्टेंसी है, इन इनसे बात करके देखो क्या सर? हाँ नहीं, काम लाने के लिए ना, काम लाने के लिए थोड़ा सा अलग है। काम लाने के लिए मेथड, वैसे तो क्योंकि आपको, मेरा तो एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है काम कैसे लाना है, बट अच्छा होगा कि तुम कुछ दिन तो काम लाने के लिए भी काम करो, काम सीखो कि काम लाना कैसे है। कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि ओएलएक्स से आप काम ले सकते हो, दूसरा हो सकता है कनेक्शन से काम ले सकते हो, तीसरा हो सकता है कि आप मार्केटिंग से, मतलब आप एसईओ सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से काम ले सकते हो। ये कुछ तरीके हैं काम लाने के। अब दिक्कत ये होती है कि ये तो हो गया कि इंक्वायरी आ गई, अब उस इंक्वायरी को कन्वर्ट कैसे करोगे, एक बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि सीधी सीधी बात है कि किसी ने आपसे पूछा कि आप मुझे कितने बना के दोगे, उसे क्या कोट कर रहे हो, कैसे कोट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर वो सीख लेते हो फिर जॉब करोगे। मैंने कई लोगों को देखा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, बट कई लोग का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, ठीक है? अभी एक मेरा स्टूडेंट है, उसी की इंटीरियर का ऑफिस है, उसके लिए मैं जस्ट क्या बोलते हैं, बोला कि सर आइएगा जरूर, तो मैं गया था, जस्ट बगल में ही था, तो मैं होके आया। तो मैंने उसको सिर्फ यही बोला, मार्केटिंग का क्या सोचा है? मैंने क्या बोला उसको, मार्केटिंग का क्या सोचा है? तो बोला सर अभी सोचे नहीं। मैंने कहा ये गलत, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, पहले ठीक है इनोग्रेशन करते रहो अपना, ये दिमाग में लेते रहो कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं काम को भी अच्छे से करके देता हूँ, इसके लिए सोचो, ठीक है? तो बोलो बोलो। एडवर्टाइजमेंट का सोचा हाँ, सर, एडवर्टाइजमेंट का सोचा उसके लिए, पूरे एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ होती है। शहर में एडवर्टाइजमेंट। नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक अलग, तो फिर मतलब वो तो हो गया, एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप किसी एक का काम बहुत बेहतर तरीके से करके दिखा दो। ठीक, मैंने कैसे किया था पता है क्या? मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे कुछ, मुझे अभी ये भी याद है, 22.5x45 का उनका प्लान था, तो उनके प्लान को उन्होंने, मतलब घर था, उन्होंने बोला मेरे को घर बना के दो। मैंने उनका घर बना के इतना बेहतरीन ढंग से दिया कि मेरी मम्मी गई थी उनके इनोग्रेशन में, हम लोग यहाँ गृह प्रवेश होता है, मतलब घर के अंदर एंट्री करने के लिए पूजा होती है, तो वहाँ गई तो सबने पूछा यार इतना अच्छा डिज़ाइन किया किसने था, ठीक है? खुद से बड़ाई करनी पड़ रही है, आप बताना पड़ेगा। तो सबने बताया कि इनके इनके बच्चे ने किया था। तो फिर सबने बोला कि अरे यार, तो मेरे मम्मी से कुछ लोगों ने मेरा नंबर भी लिया था उस समय पे, और कई लोगों ने वहाँ से काम मिले, उस प्रोजेक्ट का मुझे पैसा तो नहीं मिला क्योंकि अंकल थे वो, लेकिन वहाँ से मुझे रेफरेंस बहुत ढेर सारे मिले और लोगों ने मेरे से काफ़ी डिज़ाइंस करवाया। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं तो सीधे सीधे, अगर मैं तुम्हारा क्लाइंट बनूंगा तो मैं उस चीज़ से बनूंगा कि कोई किया है किसी का तुमने काम, मैं उसे पूछ लूँ, ठीक है? तो तुम ये खोजो कि पहला क्लाइंट कौन, उसी पहले क्लाइंट से 10 क्लाइंट आ सकते हैं क्या, बस, ठीक है? किसी दिन तुम ठीक आराम है से सर, मुझे कॉल करना, मैं तुमको कुछ बताऊंगा कि ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली यूज किया हूँ, तो वो चीज़ तुम कर लेना, ठीक है? ठीक है चलो सर। ओके, ठीक है। अभी ऋतिक का क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सर हैंड होल्डिंग कोर्स में डायरेक्ट फोन लगा के बात कर सकते क्या एनी नहीं, टाइम? मैं हैंड होल्डिंग कोर्स जो है उसके अंदर मैं डेली लाइव रहता हूँ, वहाँ पर तुम डायरेक्ट लाइव आ सकते हो। फोन इसलिए पता नहीं कि फोन कितना पिक करूंगा मैं, समझ रहे हो? तो फोन पिक ठीक है करना तो सर, पसंद हुआ नहीं है, बट वहाँ पर मैं डेली लाइव रहता हूँ, आके पूछ सकते हो, ठीक है? चलेगा। ऋतिक बोलो। यस सर। सर मेरे को खाली सर उतना ही डाउट है कि सर आपने मुझे बोला कि लाइक अभी एमटेक में कर लूँ सर, क्योंकि अभी लग रहा है कि सर फ्यूचर में नीड है, आने वाले हाँ 7 मंथ्स में सर अगर मेरा इधर इंटरव्यू होगा करेक्ट तो वहाँ पे नीड लगेगा। करेक्ट, एंड सर आपने बोला वैसे कि काम लेना है, तो सर मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया था तो फाइवर करके जो है उस पर मुझे काम मिला था सर, करेक्ट, जो फाइवर ऑनलाइन है ना हाँ सर उस पर फाइबर, काम मिला था। बट हम सर हमारी यस कंपनी सर, प्लान, हम भी फाइबर करते हैं, बोलो ना। बट सर अभी मेरे पास उतना स्किल ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लेवल का चाहिए, LOD 350 कुछ भी बना के दोगे तो नहीं लेंगे, ऐसा पूरा अच्छे से चाहिए, ये चाहिए, तो सर उतना स्किल नहीं था।
तो इसलिए सर मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे कि अरे वाह सर सिखा रहे, तो चलो जाते ही है, कुछ भी करके सीख के तो ले ही, क्योंकि सर ये स्किल रियलिटी में काम आएगा। तो वो सर मुझे सीखना है रियलिटी में, तो सर आई शुड ज्वाइन राइट सर? मैं टाइम अरेंज कर दूंगा सर। तुम अपने हिसाब से प्लान कर लो, ठीक है? मैं कभी भी यस किसी को सर। फोर्स नहीं करता, कभी मेरे तरफ से कॉल भी नहीं किया होगा कि कर लो कर लो, ठीक है? मेरी वो आदत नहीं है, जिसको पता है वो कर लेगा, ठीक है? तुम अपने हिसाब से प्लान करो, सोचो, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, डीएम कर देना, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलेगा। एक क्वेश्चन इनका ले लेता हूँ, शाह का। शाह का क्वेश्चन है कि सर मैं स्ट्रक्चर्स में देखो, अगर तुमने स्ट्रक्चर अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है तो स्ट्रक्चर्स बुरा नहीं है शाह, डेफिनेटली। क्या बोलते हैं, अगर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो बीआईएम से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से प्लान करो कि तुम्हारा, अगर तुमको नहीं समझ आएगा मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? स्ट्रक्चर्स बुरा नहीं है, बट शर्त यह है कि स्ट्रक्चर्स आपका अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स में आज के टाइम में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, जितना हार्डवर्क स्ट्रक्चर्स को इंटरव्यू को क्रैक करने में लगता है, उसका आधा हार्डवर्क लगता है बीआईएम में। ये एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी एक दार कंपनी थी, हमारी एक स्टूडेंट उसमें गई थी, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने उन क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया। मैं ऐसे ही करता हूँ, आप लोग की भी प्रिपरेशन मैं ऐसे ही कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस के लिस्ट को मैं अपने एक एक स्टूडेंट्स को एकदम पिला रहा हूँ, एक एक टॉपिक को सबको बोल रहा हूँ कि पढ़ के आना है, पूछ रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, एमसीक्यू टेस्ट ले रहा हूँ, जिससे वो रट जाए। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर्स में मेहनत ज़्यादा है, ठीक है, पढ़ने का, और बीआईएम में मेहनत ज़्यादा है प्रैक्टिस का। ये दोनों में ये मेन कॉमन डिफरेंस है, समझ लो उस हिसाब से, फिर मुझे बताना। नदीम बोल रहे सर प्लान में रेनफोर्समेंट परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है। चलो कटरे का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, पूर्णिमा कटरे आप अपना बोल दीजिए, उसके बाद सुजाता का, फिर स्टॉप करते हैं। हाँ पूर्णिमा बताइए। सर एक कोर्स से अलग है, हाँ अगर पीजी करना है तो एमबीए करना चाहिए या एमटेक सर? पीजी करना है तो किसमें करना चाहिए? एमबीए करना चाहिए या एमटेक? नहीं, मुझे लगता है एमबीए करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है? अगर आपको करना है तो एमटेक करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एमबीए का मतलब हो गया कि आप ऑफ रोड जाना चाहते हो, ठीक है? अगर ऑन रोड जाना चाहते हो तो एमटेक ज़्यादा बेटर है। और एमटेक में भी देखो, एमटेक में भी कर रहे हो तो अगर बीआईएम कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करो या फिर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करो, तो ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर डोमेन्स, ठीक है? चलेगा। हाँ समथिंग लाइक दिस सारी जो, थोड़ा सा पहुंच रहे हो, थोड़ा सा और है, बट हाँ अप्रोक्स यही है। सुजाता बोलो। हेलो। हाँ हेलो सुजाता। सर। हाँ सुजाता। सर ये एस्टिमेशन इंजीनियर भी बीएम में वर्क कर सकते हैं या बिल्कुल, बीएम खुद ही एस्टिमेट निकलता है? बीएम खुद ही एस्टिमेट निकालता है, बट जिनका एस्टिमेशन इंजीनियर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर यूज में आ जाता है। अच्छा, मतलब सर ये क्वांटिटी सर्वेयर या एस्टिमेशन इंजीनियर विदाउट जो बीएम सॉफ्टवेयर जो सीखे या कर रहे हैं वो इसमें भी घुस सकते हैं या बिल्कुल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो वहाँ पर तुम एक्सेल शीट पे करते थे, यहाँ पर टेक्ला खुद ही निकाल के दे देता है। टेक्ला में कमांड होती है ऑर्गेनाइजर करके, वो पूरा का पूरा डिटेल निकाल के दे देगा। नेविस वर्क तुमको पूरे स्ट्रीम लेवल की डिटेलिंग दे देगा। तो अब क्या हो गया है कि अब धीरे धीरे जो मैनुअल वर्क होते थे अब सब बीम में आने लगे हैं, और ये 5 साल के अंदर पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सर फिर आगे मतलब सब बीएम ही निकालने वाला है, तो फिर क्वांटिटी सर्वे की जो जॉब एस्टिमेशन तो वो रहेंगी नहीं क्या सर बाद में? रहेंगी, बीआईएम में रहेंगी। बीएम में मतलब जो कर रहे हैं पहले से विदाउट बीएम, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो होना ही होना है। देखो सीधी सीधी बात है, पहले टाइप राइटर नहीं होते थे, वो कचहरी वगैरह में जाते थे, कट 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 करके टाइप राइटिंग होती थी ना। अब देखो वो टाइप राइटिंग हो गई है लैपटॉप पे, राइट? देखे थे कि नहीं पहले की टाइप राइटिंग जो लोग, ठीक है? तो वैसे ही इसमें भी एडवांस वर्जन हुआ है, अभी और एडवांस होगा, ये चलता रहेगा, लाइफ है। हम लोग पहले कीपैड मोबाइल यूज करते थे, अभी एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, अभी आईफोन यूज कर रहे हैं, तरह तरह बढ़ रहा है ना धीरे धीरे लेवल, ऐसा होता है। तो सर फिर आगे अगर फिर मैं जॉब ऐसे ही क्वांटिटी सर्वे की करता रहूंगा, हाँ तो फिर बीएम कंपनी की जो रिक्वायरमेंट रहेंगी आगे कि हाँ भाई तुम ये सॉफ्टवेयर सीख लो, ये सॉफ्टवेयर सीख लो, ये करेक्ट क्वांटिटी सर्वे से ऐसा कुछ होगा नहीं, करेक्ट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना सर? बिल्कुल होगा। सीधी सीधी बात है कि अगर तुम टाइपराइटर थे मैं तुम्हारी वैल्यू करूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तुमको ये भी बोलूंगा कीबोर्ड पे हाथ सेट करो भाई, अभी टाइपराइटिंग वाला टाइम चला गया, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो तो ये करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, आपसे आज से देखो सीधी सीधी बात है, फ्यूचर को देख के ही हमेशा कैरियर को बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है? क्योंकि अगर फ्यूचर को देख के नहीं बना रहे हैं तो हम मार्केट में फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है? कई लोग का मैं बोलता हूँ कि उनका ग्रोथ पता है कि रुक जाता है,
9 to 6 की जॉब किए, उसके बाद आराम से आए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए। ये सीरीज वो सीरीज एक दो लोग तो ऐसे एक दो क्या कई लोग ऐसे हैं, मुझे एक दिन एक लड़के ने बोला मैं क्या बोलते हैं आप कितने आउटडेटेड हो। मैंने बोला क्या हुआ, कोई एक सीरीज थी तो बोले कि ये सीरीज आपने देख लिया, फिर वो आपस में डिस्कस कर रहे थे ये सीरीज दिखा के बड़ी अच्छी है, ये सीरीज दिखा के बड़ी अच्छी है। तो मैं तो सबका नाम भी नहीं जान रहा था, तो फिर क्या बोलते हैं मैंने बाद में पता किया, तो क्या बोलते नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज आती थी, मैंने पता किया उसको यूट्यूब पे देख के। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास 3 साल से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, क्योंकि वो एयरटेल जो पोस्टपेड सिम होता है उसमें वो फ्री मिलता है, तो मैंने उसको कभी वॉच नहीं किया था। रीज़न ये था कि क्योंकि हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें समय के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों पे चेंज होना पड़ेगा, कैरियर को देखना पड़ेगा कि किधर जा रही है जनता, उस तरफ थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। सर ये और एक पूछना था सवाल, बोलो। कि एक कॉन्स्ट्रो बोल के ट्रेनिंग सेंटर है पुणे में, आई थिंक कोथरूड में, तो सर उसमें वो 2 महीने का कोर्स करा के फिर उसके बाद डायरेक्टली प्लेस कर देंगे, तो सर वो कैसा है मतलब ट्रेनिंग सेंटर? 2 महीने का कोर्स करा के प्लेस कहाँ करेंगे? सर वही एमएनसी कंपनी में, वही उन्होंने कहा है सर, वो कैसे करा देंगे? वही पेमेंट वगैरह वही लेके कोर्स करा के फिर, नहीं, वो कैसे करा देंगे? वो उन्होंने लिखा है सर 100% प्लेसमेंट करा देंगे बोले। हम लोग कितने नादान होते हैं ना। ये बताओ कि अगर मेरे को तुम फोन किए कि सर एक लड़का है उसको रख लीजिए अपनी कंपनी में, कैसे रख लूंगा बिना किसी टैलेंट के? नहीं नहीं सर वो ट्रेनिंग देंगे 2 महीने में पूरा सिखा देंगे वो बोले, ऐसा सुना हूँ। 2 महीने में सीधे बोलो, सिखाना एक अलग चीज है, ठीक है, जॉब के लिए कभी भी एक जगह लिखा था 110% गारंटी, कोई भी ऐसे जॉब था 110% जॉब गारंटी, तो मैंने कहा ये 110 इसको लिखने की क्या जरूरत थी, 100 में काम हो जाता है इसका। तो देखो ये चीजें क्या होती है ना, ठीक है, लोग मार्केटिंग में अपने स्तर को गिरा देते हैं, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये डिपेंड करता है तुम्हारे कैपेबिलिटी पे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी कल ही मैं इस बात को बोला था, एक लड़का है उसने बोला कि सर एक जगह है वहाँ पर 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में आपको हम सिखाएंगे, और मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि सीधी सीधी बात है, सबका अपना वो है, सब अपनी वैल्यू एड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1.5 लाख रुपए लेंगे और अपनी ही कंपनी में रख लेंगे। तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है यार, 1.5 लाख तो कोई बात, 1.5 की 1 लाख कुछ बोला था, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि वैसे बात करते करते सोचा, मैंने कहा कि उसकी कंपनी करती क्या है, तो बोले कि उनकी कंपनी प्रोजेक्ट करती है। मैंने सर्च किया तो कंपनी कुछ खास बड़ी नहीं दिखी है, तो मैंने कहा कि उनको कितने इम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीधे सीधे सोचो कि अगर कोई अपने कंपनी में रख रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनी होगी, 250 लोगों की भी कंपनी होगी, तो कितने लोग महीने में काम छोड़ के जाएंगे बताओ? अप्रॉक्स महीने में 200 लोग होंगे तो 10 ही लोग तो जाएंगे, अप्रॉक्स 10, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और हम ट्रेनिंग सबको करा रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सबको रख पाएंगे? ठीक है, तो ये जो 100% वाला चीज है, ठीक है, ये अपने इंडिया में कुछ ज्यादा ही है इस तरीके की चीजें, ठीक है। अभी मतलब कि अभी ऐसे बात तुम छेड़ी दी हो तो बोलता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो एग्रीमेंट करवा देते हैं, ठीक है, उनका खुद का पर्सनल वकील है, पर्सनल स्टाम्प पेपर होता है, मतलब स्टाम्प पेपर भी पर्सनल होता है, अब सोचने वाली सारा सोच है, और वो साइन करवाते हैं कि आपको हम ये 100% प्लेसमेंट देंगे, और उसमें बकायदा लिखा रहता है, वो लड़का मुझे भेजा था, क्या लिखा रहता है, 5 लाख के ऊपर पैकेज दिलाएंगे। मैं हैरान, मैं कहा क्या बेवकूफ बना रहे यार से लोग, ठीक है, अब सोचो कि 5 लाख के ऊपर, और भी सीधी सी बात है कि मेरी जॉब मेरे कैपेबिलिटी पर लगेगी ना, ठीक है, और अगर उस कंपनी का बजट ही 5 लाख नहीं होगा तो कैसे मुझे हायर कर लेगा, ठीक है, तो कंपनी हमारे पापा की तो नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल हमको नहीं रखेंगे, पापा भी बोलेंगे कि बेटा बिना टैलेंट के मैं किसी को नहीं रखूंगा, ठीक है, तो मेरे बेटे हो, एक आध लोग की मैं वैल्यू रख लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, राइट है। तो ये 100% वाली जो चीजें हैं ये बिल्कुल फेक होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं मेरा छोटा भाई है एक बहुत अच्छी ऐसी ही कंपनी में काम करता है, तो वो लोग इस तरीके के प्रोमिसेस मार्केटिंग में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग वाले को रहता है कि अगर हम 10 लाख 15 लाख का टर्नओवर नहीं देंगे तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे या फिर सैलरी पूरी नहीं देंगे, उनका पता होगा तो पता नहीं तुमको पता है कि नहीं इसके बारे में, तो उनका टारगेट होता है, तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सीधी सीधी बात है मालिक कोई और है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है इनको कि क्या प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस करके इन्होंने टारगेट पूरा किया, अपनी सैलरी और इंसेंटिव लेके भाग गए, ठीक है, अब तुम लड़ो, ठीक है, कंपनी का ऑनर ने नहीं किया था तुम इस चीज को लेके प्रॉमिस, तो कंपनी का ऑनर ने फोन किया क्या तुमको? बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर ये फिर ये कॉन्स्ट्रो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मतलब हर किसी का मतलब ट्रेन देता है, क्वांटिटी सर्वे का भी देता है हाँ और बीएम का भी देता है, सब कुछ देता है। तो और उनकी मतलब उनकी फीस 33,000 अराउंड है, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने में हम आपको सिखा के डायरेक्टली प्लेस करा देंगे सब इंटरव्यू इंटरव्यू जो भी करते हैं। तो अच्छा है क्या सर? बिल्कुल अच्छा है अगर वो हमें डायरेक्टली प्लेस करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लेकिन उनको एक चीज बोल दो तुम, ठीक है, मेरी एक चीज मान लो, ठीक है, कि सर मैं 33 के जगह पे आपको 50,000 दूंगा, ठीक है, और वो जो आगे का पैसा है वो मैं तुमको दूंगा, मेरी तरफ से ले लो तुम, ठीक है। और उनको बोल दो सर ये जॉब लगने के बाद मैं दूंगा बस, ठीक है, इतना तुम कर लो, मजा आ जाएगा। और बिलीव करो उसके आगे का पैसा मैं तुमको दूंगा, एज अ गिफ्ट दे दूंगा भाई। उनको कॉन्फिडेंस है ना कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब तुम इतने गद्दार तो नहीं हो कि तुम उनको पैसे नहीं दोगे, ठीक है। तुमको बोल दो सर हम ये चीज, हमको जैसे ही हमारा कंपनी से ऑफर लेटर आ जाता है हम जाके 1-2 दिन काम करेंगे, हमको लगेगा जेन्युइन जॉब हमको मिल चुकी है, क्योंकि ऑफर लेटर फर्जी बन सकता है, याद रखना, ठीक है। जेन्युइन जॉब मेरी लग चुकी है, आप मुझे 33 के जगह पे आप सर 50 ले लो ना, क्या 33 लेना, ठीक है, ये चीज करके देख लो तब मजा आएगा, ठीक है। मार्केटिंग के झांसे में मत आओ, ठीक है। मार्केटिंग बहुत, अभी मैं एक जगह सच बताऊं तो मैंने कल अपनी वेबसाइट बनाया, ठीक है, और वेबसाइट में जस्ट मैं वेबसाइट बना रहा था, मैं वेबसाइट मेरी थी नहीं एक्चुअली, तुमको पता नहीं है मेरे यूनिक सिविल की वेबसाइट भी नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो मैंने जैसे ऐसे सर्च किया कि BIM से वर्ड डाला, तो कई ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, बस नाम किसी का मैं नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने ऐड लगा रखे हैं, ऐड इन द सेंस कि जैसे आप सर्च करोगे ऐड देखा होगा ना, ऐड वाले वेबसाइट्स पहले आ जाती है। तो देखो ये मार्केटिंग की टेक्निक है कि लोगों ने इतना क्योंकि लोगों को पता है कि यही एक तरीका है जिससे कि लोग हमारे पास आएंगे, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जिनको अपने काम पे भरोसा है, और मैं तो उसी में से हूँ जिनको काम पे, लेकिन अगर वो ऑफर दे रहे हैं जॉब का, ठीक है, उनको बोलो कि सर हम 50 आपको देंगे, बस ये चीज़ आप बाद में ले लो, आपको भरोसा नहीं है तो मेरे से एग्रीमेंट करवा लो, ठीक है, क्योंकि आप तो एग्रीमेंट पर जीते ही होगे, 100% प्लेसमेंट आप देते हो। तो एग्रीमेंट छोड़ो सर, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ मैं 50 दूंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है, ये थोड़े से मजे ले लेना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, थोड़ा समझो, ये MBA वाले लड़के रहते हैं जो कॉल करके तुमको बोलते हैं, ठीक है, तो उनको अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो जितना हो सकता है, ठीक है, उतना झूठ बोलेंगे, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। ये अभी एक लड़के ने कल क्वेश्चन पूछा था सर, IBBR रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, हाँ 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 तो वो सच में वो एग्जाम हाँ, देने हाँ, को, मैंने आज पूरा पता किया उसके बारे में, मेरे से बात किया, सुबह मेरा स्टूडेंट एक्चुअली वो, ठीक है, तो आज मेरी उससे बात भी हुई, फिर हमने वो इंस्टीट्यूट में भी अभी बात करना बाकी रह गया, क्योंकि आज संडे था ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पर फ़ोन नहीं किया, फिर बंद रहा होगा, तो मैं कल उससे बात करने वाला हूँ। तो क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो वैल्यूएशन के लिए अच्छा चीज़ है वो, अभी पहले कैसा होता था, पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अगर आपके पास चार्टर्ड इंजीनियर का लाइसेंस है तो हो जाता था, अभी गवर्नमेंट ने वैलिड कर दिया है कि वो एग्ज़ाम आपका क्रैक होना चाहिए, तभी आप वैल्यूएशन का काम कर सकते हो, ठीक है। तो सर वो लड़के का नाम आप बोल सकते हैं या हाँ, शुभम शुभम इंगले करके लड़का है, शुभम इंगले करके है, नासिक में रहता है वो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए कुछ सोच भी रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है वो ऑलरेडी वैल्यूअर का काम करता है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे उसकी बात करा दूंगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। सर मुझे वो फील्ड में भी इंटरेस्ट था तो इसीलिए मैंने उसका नाम पूछा। अच्छा है वो फील्ड भी, अच्छा है वो, तुम ग्रुप में देखना उसका नंबर मिलेगा, उससे बात कर लेना, ठीक है, काफी अच्छा लड़का है अपने से। सर मैंने कल कल नंबर ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, इसलिए शुभम करके है, मैं तुमको DM कर दूंगा, मुझे भेज देना, ठीक है, चलो थैंक यू। ओके, जाधव का, दानिश जाधव का क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे एक मीटिंग है, ठीक है, थोड़े से कुछ लोगों से, ठीक है, जाधव बोलो ना, दानिश जाधव, हाँ दानिश बोलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियो में देख चुका हूँ अभी तक, मतलब आपके वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ करने की ऐसी उम्मीद जग रही है अभी भी, क्योंकि मैं मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा है अब तक का, वो जो शेयर करूँगा थोड़ा बहुत। ओके नहीं, प्राइवेट वाली बातें हो तो मत शेयर करो, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करवा दिया तो फिर दिक्कत हो गई। जॉब का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है मेरे को, मतलब 2018 में मैंने पास अप किया थी, B2D हूँ। अच्छा B2D मतलब हाँ हाँ, और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो उसमें निकल गया था, तो निगम वाला है ना उसमें गुजरात से हूँ, फिर मैं हाँ हाँ
टू मोरबी में जॉब मिला था नेर नेर खातो विभाग में, वो करेक्ट। हाँ 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 मैं बहुत बहुत बीमार हो गया था, इसकी वजह से अभी घर पे ही बैठा हूँ क्योंकि जॉब छोड़ दिया मैंने। ओके तो मैंने अभी अगले साल ही वो सॉफ्टवेयर किए हैं ऑटोकैड के, ऑटोकैड रेविट मतलब ऑनलाइन किया IGTR से हमने। ओके मतलब मेरा पहले से ही थिंकिंग था कि कुछ ऐसे लाइन में जाऊं, पर वो एज एग्जाम के टाइम मतलब दी कर आता तभी एग्जाम दिया करता था तो लास्ट में निकल गया था उसमें। करेक्ट। बाकी कंडीशन मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मैं अब तक लेट हुआ हूँ। अभी एक पीसी लिया है और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। वो जॉब का क्या हुआ फिर? जॉब तो मैंने छोड़ दिया है, मतलब अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस मुझे बुरा ही रहा था। वो ट्राई बहुत किया था मैंने रिटर्न जाने की। अच्छा। अभी जो हमारा मतलब क्या उस विभाग का मतलब जो मंत्री है उस तक मिला था, फिर भी उधर सब्मिट नहीं किया, मेरे को दिया नहीं, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बुरा फील। ठीक है, नहीं कोई बुरा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। वही सोच के बाद में घर बैठा अभी वो ये तुम याद रखो, आज से 5 साल बाद अपने जब जर्नी को देखोगे ना, मेरे भी लाइफ में ऐसे कई चीज़ें हुई हैं जो पढ़ के सुन के हंसी आती है, याद करके हंसी आती है, और बाद में लगता है यार यही तो रीज़न था जिसकी वजह से सक्सेस मिली थोड़ी सी। ठीक है, एक काम अच्छा हुआ मेरा कि मेरे पास मतलब आप मानोगे नहीं पर मैंने बी किया तब तक मेरे पास वो ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं था। ओके। डबला डबला बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बोलाए वही 1000 रुपये वाला लिया था, वो भी घर की अच्छी तो नहीं है बस दूसरे के मोबाइल से ही काम चलाना पड़ता था, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ ऐसे करने। तुमको मैं बताऊं, मैंने खुद क्या बोलते हैं, मैंने जॉब लगने के 8वें महीने, क्योंकि मेरा जो पहला मोबाइल था रेडमी 3S प्राइम करके था, उससे पहले मैं कार्बन की मोबाइल चलाता था जिसका प्राइस था 1600 रुपये। ठीक है, मैंने पूरी इंजीनियरिंग विदाउट एंड्रॉयड फ़ोन ही किया हुआ है, और हमारा बजट ही नहीं था कि हम क्या बोलते 4-5 हज़ार का जो एंड्रॉयड आता था वो भी हम अफोर्ड करें। मैंने जॉब लगने के बाद 500-500 रुपये इकट्ठा करके 8 महीने के बाद मैंने लैपटॉप मोबाइल लिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उस समय पर मेरी इतनी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं जॉब से आने के बाद भी 2-3 घंटे मेहनत करता था, वो अच्छी चीज़ है। मतलब सर वही जॉब पे गया था ना तो 2-3 महीने का मतलब सैलरी वगैरह हुआ, तो मैं बीमार एक्चुअली में बीमार बहुत हो गया था, वो आँख की बीमारी है तो उसमें मेरे ज़्यादा हुआ था, मतलब 2 साल से लगा। करेक्ट। और इधर से मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया है, और तब के बाद मैं कुछ ना कुछ सोच रहा था कि आगे क्या करूँ, गवर्नमेंट में मेरे को जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी अभी। ओके। और मैं सॉफ्टवेयर बेच पे कोई भी ऐसा डिजाइनिंग वगैरह मैं कुछ करूँ ऐसा सोच रहा था, और आपकी वीडियो में रेगुलर कहीं कहीं आधा या पूरा कुछ ना कुछ आपसे मतलब देखता रहता हूं। बहुत उम्मीद लगी मेरे को, उम्मीद बहुत जगी मेरे को, गुजरात से हूँ इसीलिए हिंदी थोड़ी बोलने में ठीक है। हिंदी हो या फिर कोई भी भाषा हो तो भाषा तो वही है पर थोड़ा शब्द में ऐसा ऐसा हो जाता है इसलिए बोलते नहीं ना, और हम जो एरिया बैकवर्ड एरिया में थोड़ा रहता है अभी वलसाड जिला होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, ओके, और उसमें भी कपराड़ा नासिक के मतलब नासिक के बॉर्डर के उस पर है गुजरात में। ओके ठीक है, अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ। हाँ वही सर, डिजाइनिंग में मतलब मैं अभी कैसे आगे मेरे करियर का ग्रोथ करूँ ऐसा, मतलब क्योंकि ऑटोकैड किया है रेविट भी किया पर ऑनलाइन किया, इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस वगैरह नहीं हुई, और अभी अभी मैंने वो पीसी लिया है। तो आपसे थोड़ा अभी आज बात ही हो रही है तो थोड़ा ऐसा मोटिवेशन सब कुछ और बताओ कि जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत अच्छा है, अभी क्या करो, अभी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम ट्रेनिंग ले चुके हो, ठीक है, तो तुम्हें गुरुकुल भी आने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, लैपटॉप ले चुके हो, प्रैक्टिस मारो जितना हो सकता है ना, अब प्रैक्टिस पे टाइम दो, क्योंकि एक्चुअली सच बताऊँ ना तो गुरुकुल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही सबसे बड़ा रीज़न है सक्सेस का, ठीक है। तो तुम्हारे तो तुम तो ऑलरेडी सीख चुके हो तो तुम्हें सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने का अगर तुमको मेथड चाहिए तो मैं एक सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके बहुत नॉमिनल सा एक कोर्स चलाता हूँ, इसमें मैं लाइव रहता हूँ, तुम आके वहाँ गाइडेंस ले सकते हो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लोगे तो बिलीव करो कि तुम लास्ट टाइम कुछ समय बाद जब देखोगे ना तुम्हें खुद ही महसूस हो गया जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने 30-35 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब छोड़ी, आज मैं 1.5 लाख की सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है। तुम मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारी बता रहा हूँ, ऐसा तुम खुद सोचोगे, ठीक है। खुद का बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ ना अभी मैं, उसके बाद भी टाइम बहुत मतलब गैप बहुत हुआ है मेरा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ दिन जिस चीज़ का बिजनेस बनाना है उस चीज़ में एक्सपीरियंस हो,
ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट लिए सर, प्रैक्टिस के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब प्लान वगैरह अच्छा ऑनलाइन लेके या है। किसे? मेरे पास बहुत ढेर सारे प्लान है, आप मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा उनके, मुझे प्रोजेक्ट करके दो, मेरे को तो मेरा पैसा बचेगा। तो आपका बहुत धन्यवाद दे सर, मेरे को भी सेंड कर दो प्लान। चलो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक साथ ले लेना। जरूर सर, क्योंकि मेरे जब से मोबाइल लिया कुछ ना कुछ करो ऐसी सोच के, मतलब मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देखा, चले मैं बिल्कुल वीडियो में बहुत अच्छे लगे मेरे को, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा उस मुझे, लेकिन बना के दिखाना है ये नहीं कि, क्योंकि शेयर करने में मेरा एक मिनट जाएगा, तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है, स्टॉप करते हैं। ओके जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट अरे नहीं भाई बिल्कुल, क्या बोलते हैं, आप लोग में से जिसको भी गुरुकुल करना रहेगा, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाना रहेगा, तो आ सकते हो। ठीक है, नहीं भी कर रहे हो ठीक है, तो कुछ ऐसा प्लान करना कैरियर का, ठीक है, आप सपोज कि आप गुरुकुल में या बीआई में नहीं करना चाहते हो, छोड़ दो बीआई को, ऐसी लाइफ में ऐसी जगह पे कैरियर को मूव करना जिस जगह पे जर्नी लंबी हो, मतलब कैरियर वो होना चाहिए जिसका ये ना हो कि यार आगे गली बंद हो गई है, मतलब थोड़ा सा सीखा आगे खत्म। कल एक लड़का मुझे बोलता है सर लैंड सर्वे में करूँ कि ना करूँ मैं, तो मैंने बोला नहीं, क्यों, लैंड सर्वेइंग में बहुत लिमिटेड है, एक साल के अंदर सब सीख सकते हो, उसके बाद क्या करोगे। स्ट्रक्चर से एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अंत ही नहीं है, सबसे बेस्ट कैरियर है। बीआईएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अंत ही नहीं है, इसलिए सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। पीईबी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई अंत ही नहीं है, अच्छी इंडस्ट्री है। प्रीकास्ट ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई अंत ही नहीं है, अच्छी इंडस्ट्री है। हाईवे डिज़ाइन इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि उसका कोई अंत ही नहीं है, हमेशा डिज़ाइन होते रहेंगे, नए नए ब्रिजेस, नए नए चीज़ें डिज़ाइन होती रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल मिला के ऐसे चीज़ों में अपने कैरियर को बनाना, ठीक है, जो चीज़ का कोई अंत ना हो, सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि जो कुछ भी हूँ सीखने के लिए हो। ठीक है, अभी इन्होंने बोला तो मैं खुद भी कर रहा हूँ कि मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर थे, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे घर की पूरी इनकम 300-400 रुपये अ डे होती थी। अब आइडिया लगा लो कि हम कैसे किस तरह से सर्वाइव करके अपनी जर्नी को आगे लेके आए होंगे। तो इसीलिए मैं खुद भी सोचता हूँ, अभी मैं कई सर बताऊँगा आपको, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक लड़का मुझे बोलता है कि सर लोग बीआईएम की फीस 80,000-1.5 लाख ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, मैं मतलब उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस फीस को 10,000 कर दूँ। तो बोला सर क्यों, मैंने बोला कि 10,000 भी एक बड़ा अमाउंट होता है उसके लिए, सब उससे जाके पूछो जिसके घर का फाइनेंशियल स्टेटस पूरे दिन की इनकम 1,000-2,000 रुपये है, उसके लिए 10,000 भी ज़्यादा है। बट मुझे इतनी इसलिए रखनी पड़ती है कि सामने वाले की भी माइंड में प्रेशर रहे कि यार हमने फी पे किया है, हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमारे माइंड में एक मेकअप होना चाहिए, फी पे किया है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, मुझे किसी मार्केटिंग वाले को नहीं देना है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, मेरा कोई यही एम नहीं है कि नहीं नहीं बस यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आता है, डिज़ाइनिंग से भी आता है, अभी तो हम लोग एग्जीक्यूट भी करके दे रहे हैं। 1700 रुपये स्क्वायर फीट में, 1300 रुपये स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बन जाती है, 400 रुपये स्क्वायर फीट पूरा मुझे बच जाता है। तो मेरा एम थोड़ा अलग है। ठीक है, एम ये है कि आप एक अच्छी रेपुटेशन जॉब में आ जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इमरान आलम का, उसके बाद मुझे जाने देना, 8 बजे मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ पर टाइम से पहुँचना पड़ेगा, और उससे पहले कुछ खा लूँगा नहीं तो फिर बोर हो जाऊँगा वहाँ पर बोलना अगर पड़ गया तो। हाँ इमरान बोलो, इमरान आलम, इमरान ठीक शायद इनको आवाज़ नहीं आ रही क्या। ठीक है चलो, अभी किसी को कुछ, हाँ इमरान बोला है, बोलो बोलो। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं ये कर रहा था कि ऑटो करके जो प्लान है वो प्लान थोड़ा ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे भी चाहिए। 100% मैं शेयर कर दूंगा, 9 से 10 बजे के आसपास आ जाएगा। ठीक, 10 बजे तक मैं मीटिंग में रहूंगा, 10 बजे प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 वो प्रोजेक्ट मैंने कम्प्लीट किया है, वो आपको हाँ मुझे दिखाना, जो मैं प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ ठीक है, उनकी मॉडलिंग करके मुझे दिखाना। ओके ओके ठीक है, ग्रुप में ही दिखाओ या फिर डीएम करो जैसा भी तुमको लगे, लेकिन करना तो मुझे भी लगेगा कि हाँ और भेजना चाहिए। ठीक है, ओके सर, मैं करके आपको एकदम लाइव प्रोजेक्ट में आपको दे रहा हूँ, उसमें से एक प्रोजेक्ट तो मेरा खुद का है ठीक है, और एक प्रोजेक्ट क्लाइंट का है। ठीक है, खुद का इन द सेंस कि मेरा खुद का ही है, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं आपके लिए, लाइव ही है। ठीक है, ओके चलिए, हैव अ गुड डे, सबको एक अच्छी जर्नी मिले ऊपर वाले की दया से, होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे ठीक है, और कुछ नया, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। बस लास्ट में यही बोलूँगा, कैरियर को बहुत अच्छे से चुनना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मैं कई लोगों का देखता हूँ,
एक साल इस डोमेन में गए, फिर उनको लगता है यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, वापस आते हैं, दूसरे साल दूसरे जगह जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तीसरे साल तीसरे जगह जाते हैं, फिर वापस आते हैं, रिजल्टेड उनका हमेशा जीरो हो जाता है। यही 3 साल को मिला के कोई एक लंबी जर्नी पर गए होते ना, हाईवे पर निकल गए होते ना, कसम से बता रहा हूँ बहुत लंबे चले जाते हैं। तो बस वही चूज़ करो कि अब जहाँ गए थे चलो जाने दो, अब वापस आ रहा हूँ और एक लंबी जर्नी पर जा रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जिसको भी कोई और क्वेश्चंस रहेंगे आप बिल्कुल डीएम मुझे कर सकते हो, और जो भी लोग रजिस्टर करना चाहोगे आप 5000 पे करके अपनी सीट कंफर्म कर लेना, बाकी आपकी क्लास के जब स्टार्ट होगी तब आप पे करना, वही पार्ट में जैसे भी करना होगा कर सकते हो। चलो जी, हैव अ गुड डे। Thank you.